we have little or no control. Up now think about it. अगर आप हेवनली लॉ को डिकोड अपन कैसे करते हैं, आमतौर पे जनरली पत्री बना देते हैं, पत्री लेके पंडित जी के पास जाते हैं, प्रोबेबली ही विल से कि फलाना आपका ग्रह ये है, इसकी चाल ये है, ये आपका राहु है, ये सो ऑन एंड सो फोर्थ, और प्रोबेबली ही विल यू विल बी आस्क्ड टू डू सम पूजा और सम वेयरिंग ऑफ सम अंगूठी और नंग या समथिंग लाइक दैट. तो अपना डिकोडिंग का जो सिस्टम है वो हेवनली लक का या हेवनली इंटरवेंशन का इज वेरी अनसर्टेन, यू नो, लाइक देर इज नो क्लैरिटी, पीपल आर नॉट येट, देर इज नो, यू नो, स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ लुकिंग एट इट. आप थोड़ा सा कभी अपने ध्यान नहीं दिया है, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये जो हेवनली लक जिसको मैं बोलता हूँ या हेवनली इंटरवेंशन बोलता हूँ, उसका कभी आपने सोचा है क्या कि हाउ डू वी डिकोड इट? यदि वो जिंदगी में 50% उसका महत्व है अपनी लाइफ में, तो आई थिंक वी शुड नो हाउ टू डिकोड इट, इजंट इट? टुडे वी विल टॉक अबाउट इट. लेकिन अगर मैं जब कहता हूं कि उसका इंटरवेंशन इज अबाउट 50%, बट अनफॉर्चुनेटली वी डू नॉट हैव मच डेटा अबाउट इट. आज अपने पास ऐसे बहुत सारे डेटा नहीं है, जैसे लाइक वी हैव अ डेटा ऑफ इंटरवेंशन ऑफ भक्तामर श्लोका 45th या भक्तामर एज ए होल, कि हाँ जी इतने लोगों ने किया. मंजू जी के पास तो पूरा चिट्ठा बना हुआ पड़ा है, शी हैज एविडेंसेस एंड एविडेंसेस एंड एविडेंसेस कि ये ऐसे हुआ, तो इतने लोगों का बंटवारा किया, कुछ लोगों ने भक्तामर किया, कुछ लोगों ने नहीं किया, तो क्या रिजल्ट आया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो अपने पास डेटा है. आई हैव अ डेटा ऑफ अबाउट 10,000 हाउसेज, इंडस्ट्रियल places कि जिसका हमने वास्तु किया, तो बिफोर एंड आफ्टर का क्या है. तो देर आर सम डेटा अवेलेबल वेर यू कैन वर्क ऑन दैट. बट 50% जो है हेवनली लक इंटरवेंशन, जिसको अपन डिकोड करते हैं थ्रू पंडित का डेस्टिनी एनालिसिस, उसका डेटा है क्या? अगर यदि है तो कितना है, ऑथेंटिसिटी क्या है, इज ऑल क्वेश्चनेबल. एंड लेट मी टेल यू फ्रेंड्स कि ये जो हेवनली लक है ना, वो स्टैटिक नहीं है, इट इज प्रिटी डायनामिक इन नेचर. व्हाट डू यू मीन बाय डायनामिक इन नेचर? दैट मींस आपने देखा होगा कि लाइफ में, यू नो, किसी का एक चाल चली तो 10 साल ऊपर गया, फिर हल्का सा नीचे आया, वापस ऊपर गया, वापस नीचे आया. तो इट इज लाइक अ रोलर कोस्टर राइड इन लाइफ. देयर इज, इट इज नॉट स्टैटिक, इट इज प्रिटी डायनामिक. दैट मींस एट any point of time, कभी ऐसा नहीं होता कि किसी का heavenly luck जो है वो zero हो गया. हो सकता है क्या ऐसा? नहीं, no, it's not possible. So, इसका जो dynamics है, is pretty dynamic in nature, and it is not static. और क्या किया, what intervention was made, उसका क्या outcome आया, उसका अपने पास कोई data नहीं है. For a second, I would have loved to keep it out of our purview. You know, in the discussion of a totality, and I am for a while keeping it out of our purview because I'll come back to it in maybe another 10 minutes or so. Okay, let us keep 50% aside. Let us keep 50% aside. कि वो heavenly luck का intervention क्या है? नहीं पता, data नहीं है, authenticity नहीं है, और how does it interfere or interact with us? उसमें question mark है. Many a times I keep hearing people telling कि भैया नसीब में जो लिखा होगा वो ही मिलेगा, नसीब से ज्यादा और समय से पहले नहीं मिलता है. ऐसी कहानी आप लोगों ने भी सुनी होगी, तो यू नो कभी कभी दुविधा हो जाती होगी कि किसको, आई मीन वॉट टू ट्रस्ट. डू वी ट्रस्ट दिस मैक्सिम कि नसीब से पहले और समय, समय से ज्यादा और समय से पहले नहीं मिलता, या डू वी डू अवन कर्मा, पुरुषार्थ करें, क्या करना चाहिए? I'll give you a classic example of this, you know. देखिए मैं आपको बताऊं, few years back, I was suddenly मेरे ऑफिस में एक दिन काफी लोग आए, 15-20 जनों का एक संघ ही आया, you know, people who's who kind, and they said कि एक महाराज साहब ने आपको बुलाया है. Now generally, you know, to get me, you need to have at least 30 days का appointment. But महाराज साहब ने बुलाया है, और वो उस टाइप के महाराज साहब की जो कि, you know, people से कि अगर ऐसा बोल दिया, हाँ जी हो जाएगा, and generally things happen.
सेठ की महाराज साहब ने बुलाया, मैंने कहा कोई प्रायर इंटीमेशन नहीं था, क्या बात है अचानक? ऑल वेल, जैसे पता नहीं साहब जी ने बुलाया है आपको आना है। आई वेंट विद देम, वेल आई वेंट देयर एंड साहब जी का दर्शन वगैरह किया। मैंने कहा जी आदेश करें, बट महाराज साहब कुड सी कि ये जो संघ वाले थे जो मेरे पास आए थे उनके चेहरे पे बड़ी यू नो देर वॉज असमंजस, यू नो देर वर लॉट ऑफ क्वेश्चन मार्क्स। एंड सो महाराज साहब ऑफ कोर्स कुड मेक इट आउट कि क्यों भैया तुम लोग क्यों, व्हाई आर यू ऑल विद लॉन्ग फेस, व्हाट इज बॉदरिंग यू गाइस। तो उनका सब समझ में नहीं आई, आप माफ करिएगा, लेकिन पूरे विश्व से लोग आपके पास आते हैं, आके बोलते हैं साहब बताओ मैं क्या करना है मेरे को, ये मेरे पास 5 करोड़ रुपया है, 10 करोड़ रुपया बोलो वहां पर दान कर दूं, जो बोलो आप ऐसा कर दो, आदेश कीजिए। और ऑफ ऑल द पर्संस टुडे वी हैव इनवाइटेड समबडी फ्रॉम अ वास्तु फील्ड, ये हलक से बात नहीं उतर रही है नीचे। व्हाट इज इट दैट यू कैन नॉट डू व्हिच ही विल डू? तो महाराज साहब जस्ट फ्लैश द स्माइल, यू नो ही सेड ठीक है। देन ही लुक्ड एट मी कि भैया तुम जवाब दोगे ना मैं जवाब दू। मैंने कहा आप तो लास्ट जवाब देना बिकॉज यू आर ब्रह्मास्त्र, यू नो जब अगर ये बात मैं जो कहने जा रहा हूँ वो समझ में नहीं आएगी तो फिर आप तो है ही है। लेट मी ट्राई एंड लुक एट देम एंड एड्रेस द क्वेरी बिकॉज इट वॉज एक्चुअली आई वॉज इन्वाइटेड टू अ लार्ज प्लेस ऑफ वर्शिप और यात्रा धाम है बहुत बड़ा, लेकिन क्या है कि वो सोटू से चल नहीं रहा था, एज इन कि इतने सारे मंदिर बन जाते हैं कभी कभी क्या यात्रा लोग यदि नहीं आते हैं ना तो उसका मेंटेनेंस नहीं हो पाता है। सो ऑल्दो इट वॉज स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड बट समहाउ यू नो थिंग्स वेर नॉट हैपनिंग। सो आई सेड देखिए आप लोगों के मन में ये चल रहा है कि महाराज साहब ने क्यों एक एनर्जी इंटरवेंटर वाले को बुलाया, मैंने कहा आप थोड़ा सा अलग से सोचिए, ये महाराज साहब है उनके साथ इतने सारे साधु साध्वी जन है और कभी किसी की भगवान ना करे तबियत खराब हो जावे तो विल यू कॉल अ डॉक्टर और नॉट, और यू विल फील कि इतने महाराज साहब बड़े पावर वाले हैं इनके यहाँ पर तो कोई बीमारी नहीं पड़ना चाहिए, और यदि बीमार हो गए तो महाराज साहब ऐसा कह देंगे कि भाई ठीक हो जाओ और ठीक हो जाएंगे, ऐसा होता है क्या? आई मीन दे वर स्लाइटली परप्लेक्स्ड, यू नो दे सेड कि नहीं नहीं ऐसी क्या बात बता रहे हो, ऐसा तो थोड़ी होता है। मैंने कहा अच्छा चलो एक काम करो, मान लीजिए यहाँ पर अगर ये इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, ये कोई बल्ब फ्यूज हो गया, कोई लाइट शॉर्ट सर्किट हो गई, तो यू विल एक्सपेक्ट महाराज साहब टू डू दिस एंड सेट राइट द इलेक्ट्रिसिटी और यू विल कॉल एन इलेक्ट्रिशियन? ही सेड ऑफ कोर्स, ये कोई दिस इज नो ब्रेनर, आप क्या बात पूछ रहे हो। मैंने कहा चलो इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स है, अगर वहां पर आपके कोई पानी का नल टूट जाता है या पाइप फट जाता है तो वॉट विल यू डू? You will expect Maharaj Sahib to do fix it by his vidya or you will call a plumber. Now there's thought ki, you know, they are walking into some kind of you know light at the end of the tunnel. Manka dekhiye, if you can get a doctor for people's health, if you can get a plumber to fix your plumbing, if you can get an electrician to fix your electrical things, why can't you get a energy reader doctor who can read the energies of this place? I don't even know, but the reason that I am cold, I have a reason to believe that there must be something which requires some energy intervention. So then they said yes. Maine kaha aap ek baat bataiye. Of course, one of them was a little over enthusiast, and he said ki nahi nahi, lekin naseeb se pehle aur samay se, I mean samay se pehle aur naseeb zyada nahi mil sakta hai. Maine kaha ek baat bataiye, aap log yahan par Maharaj Sahab ke aage piche ghoom rahe ho. तो ऑब्वियसली यू हैव सीन हिज कलाकारी कि या नो ही हैज बीन एबल टू हेल्प यू ऑल, तो क्या आपकी फैक्ट्री में कुछ हो जावे तो आप नसीब की बात देखोगे ना, यू विल अपॉइंट समबडी वेरी स्पेशलिस्ट इन योर फैक्ट्री। गॉड फॉरबिड कल को डॉक्टरों ने आपको बोला कि भैया आपके थोड़ा सा यू नो यू नीड टू टेक केयर ऑफ, ये थोड़ी सर्जरी करनी पड़ेगी, अभी नहीं करोगे तो तकलीफ हो जाएगी, तो विल यू वेट फॉर यू नो की थिंकिंग दैट की नसीब में लिखा होगा वो होगा, या आप सर्जरी करा लोगे, दवाई देन लेके डॉक्टर के पास जाओगे कि नहीं जाओगे? बोला ऑफकोर्स जाएंगे। ऐसे डू यू एवर ट्राई कि आपके बच्चों को बेस्ट स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए? बोले करते हैं। तो मैंने कहा वो पुरुषार्थ आप करने को तैयार हो जिसको आप पुरुषार्थ कहते हो, वैसे अपने यू नो इन ट्रू सेंस ऑफ द टर्म
तो अगर आप देखा जाए जैसे अपने दिगंबर धर्म ही तो नो इस वेरी वेरी स्ट्रिक्ट कि नथिंग इज इन आर हैंड, यू नो, एक द्रव्य दूसरा द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, इंद्र नरेंद्र और जिनेंद्र भी कुछ चेंज करने को सक्षम नहीं होता, तो मैं कौन और आप कौन। लेकिन एक निमित नैमितिक संबंध की बात की गई है, तो मैं उस निमित नैमितिक संबंध की बात करता हूं, बिकॉज वॉट इज रिटन इन अवर रिलीजन इज एब्सोल्यूटली राइट। इफ समथिंग हैज टू हैपन तो उसकी एक निमित की आवश्यकता होती है। तो अगर मैं या आप जब कल सीख लेंगे भक्तामर या कुछ भी, जब कोई चीज करते हो और कोई काम हो जाता है, तो वी ऑल आर ओनली निमित, बिकॉज थिंग्स हैड टू हैपन, एक निमित की आवश्यकता होती है, तो यू एंड आई बिकम अ निमित इन अ प्लेस। सो आई टोल्ड देम संघपतिज कि भैया ये चीज जो है, अगर आप अपना खुद का बॉडी चेकअप कराने के लिए डॉक्टर के पास जा सकते हो, तो महाराज साहब ने यदि मेरे को यहाँ बुलाया है टू सेट राइट द एनर्जी ऑफ दिस प्लेस, आई एम श्योर इट मस्ट बी आउट ऑफ ऑर्डर, तब इसलिए मेरे को बुलाया है, अब बताओ आपको आपत्ति है क्या। फिर महाराज साहब लुक्ड एट देम कि भैया मन में संतुष्टि हुई कि नहीं, हैव यू गॉट आई मीन गॉट योर आंसर्स और नॉट, एंड दे सेड हाँ जी सॉरी आई मीन वी मेड अ थिंग एंड देन आई डिड द इंटरवेंशन। मैंने पता किया, यू नो, वहां पर एक ऐसी लाइन जा रही थी जहां पर जब भी कोई आदमी बैठे तो वो भाग जाता था, उनका पूरा ऑफिस उस लाइन पे था, तो काम ही नहीं हो पा रहा था, एंड वी डिड छोटा छोटा बात करके, और टुडे आज इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट, यू नो, मोस्ट सॉट आफ्टर प्लेस इन गुजरात, वहां पीपल कीप गोइंग। सो आई विल नॉट नेम इट विच प्लेस आई एम टॉकिंग अबाउट। ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट कि जो ये हेवनली लक है, हेवनली लक आर प्रिटी डायनामिक इन नेचर, कभी एक दस का ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है, और हेवनली लक का और आपके पुरुषार्थ का, इसको जिसको अपन अभी थोड़ी देर में बताएंगे, दे आर ऑल इंटर रिलेटेड। लेकिन कीप इट इन द बैक ऑफ योर माइंड कि ये जो अपने जैनिज्म में लिखा है कि एक द्रव्य दूसरा द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, उसको आप बिल्कुल 100% डाइजेस्ट कर देना भाई, because until such time, and I am telling you from my own experience, because when I was training my son and into Vastu Energy Dynamics when he was 21, and he could see ki dad we can do anything, you know, apan is factory ko chalu kara dete hain, is ghar mein ye kar dete hain, wo kar dete hain, I think we are doing so well, I mean apne we are so empowered, and I told him ki bhaiya aisa nahi hai, we are empowered, that is fine, लेकिन वेर एवर वी आर गोइंग उसका भी एक नसीब होता है, और उनके नसीब में ठीक होना लिखा होता है, तो यू आर बिकमिंग अ निमित। अगर आपकी यू नो इफ somebody इज नॉट वेल एंड ही गेट्स अ गुड मेडिकल ट्रीटमेंट, तो यू विल से कि हॉस्पिटल अच्छी थी, डॉक्टर बहुत अच्छा था, दैट इज ट्रू, लेकिन साथ साथ आपके नसीब में भी लिखा हुआ था कि ठीक होना था, तो उस वक्त वहां पर एक अच्छे डॉक्टर की मौजूदगी भी हो गई, उस वक्त आपको एक अच्छी हॉस्पिटल मिल गई, उस वक्त आपको मंजू जी मिल गए, 45वां श्लोक भी मिल गया, आपको बताया गया कि हाँ जी आप ऐसे करो और आपने किया, तो इट्स ऑल अ कॉम्बिनेशन। सो रिमेंबर द लाइफ हैज ऑल दिस थ्री एलिमेंट्स, द हेवनली लक ओवर विच वी हैव लिटल और नो कंट्रोल, अबाउट विच वी हैव नो और लिटल डेटा, although at the end I will tell you we have data and how we can do intervention in that also, lekin let us keep in our mind ki heavenly luck jo hai uski intensity extent intervention ka apne paas bahut sateek andaaz nahi hai, isliye hamesha ye khyal rakhiyega ki ahankar nahi chalta hai ki main to maine kiya, main aap kuch bhi nahi hote hain, jo bhi hai wo it's all part of the chain, and I strongly believe for things to happen, heavenly luck, which is 50% over which you have little or no control, has a big role to play, has a huge role to play, and that is the reason why you keep, you know, you witness, you become a witness to a situation ki mere to control mein nahi tha, pata nahi kaise ho gaya, tell me, you can, each one of you can ask yourself ki how have you got yourself enrolled into this Bhaktamar thing. I mean, 5 years back, did you know about it? 3 years back, did you know about it? No, probably not. But because path had to take an upswing in life, you know, that you have been introduced to such a divine subject and you are going to master something which will, you know, eventually going to change your life. So you have to learn a lot of things.
You have to integrate it back into your system and give it back to society when the time comes. Giving back to yourself when the time comes. So remember, heavenly luck, 50% over which we have little or no control, is a big decider, and that makes a lot of difference in our life. 35% is what I call earth luck. Earth luck ka matlab ye hai, the place which you possess, uska apni jindagi mein bahut bada role hota hai. Main bahut detail mein bataunga aapko. Dekhiye, aapne kabhi aisa mehsoos kiya hai kya? आप कुछ घरों में जब जाते हैं तो यू फील वेरी गुड, आपको बैठने का मन होता है, एज इफ फॉर एवर यू वॉन्ट टू सिट देयर, यू नो कि नो मैटर कैसा ही बना हो घर, लेकिन यू विल फील कि नहीं, मैं तो यहाँ बैठता ही हूँ या बैठता हूँ. यू फील लाइक डूइंग दैट, राइट? व्हाई? बिकॉज द प्लेस का वाइब, जिसको आप कहते हो, इज सो गुड, बहुत आनंद आता है. एंड देर आर कन्वर्सली सम प्लेसेस जो कितना ही ब्यूटीफुली बना हुआ हो, बट यू वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ दैट प्लेस. You know, मन नहीं होता. You feel, you know, bugged up. You feel कि you are not yourself. You cannot use your total creativity. ऐसा होता है ना, सबके साथ होता है, आपके साथ भी हुआ होगा. आए दिन अपन सुनते हैं कि इस घर में जाने के बाद अगले की बड़ी प्रगति हो गई, ये फैक्ट्री में उसका बड़ा ऊपर चला गया, अपस्विंग में काम हुआ, और some places यहाँ जाने के बाद आदमी साफ हो गया, यहाँ जाने के बाद लोगों की शादियां नहीं होती, इस घर में अक्सर लोग बीमार रहते हैं. We keep hearing that, right? The thing that we keep hearing is what I called earth luck. जब भूमि का प्रभाव है और है, whether or not you would like to believe, whether or not you would like to ascertain, whether or not you would like to, you know, give credit to that, the bottom line is कि भूमि का प्रभाव है. And fortunately, उसमें energy intervention possible है. Fortunately, यदि आप उसमें energy intervention करते हैं, तो energy intervention का प्रमाण है. There are evidences of before and after. Now, देखिए, जब प्रमाण आपके सामने present किया जाता है, तो then, you know, आपका rational mind would like to accept it, कि oh, अच्छा, that is also possible. Oh, great. So we will talk at length about that 35%, how energy intervention is possible. मान लीजिए जिस घर में आप रहते हो वहां पर कल को पता चले कि ये पर्टिकुलर कर्टेन जो है वो लाल कलर का है, लेकिन वो आइडियली अच्छा होता यदि ये व्हाइट कलर का होता, तो isn't it possible for you to do it? Yes, it is possible to do it. And if it brings about changes though, and if you can be shown on screen कि हाँ देखिए ये लाल आपका कर्टेन पड़ा है तो उसकी ये एनर्जी हो रही है, जैसे ही आपने व्हाइट करा तो ये हो गया, आप डिजिटली देख सको, तो यू वुड लाइक टू बिलीव दैट कि ओह यस, इंटरवेंशन इज पॉसिबल. और 3 months डाउन द लाइन जब आपके रिजल्ट्स आ जावे तो सर्टेनली यू वुड लाइक टू बिलीव दैट. सो 35% इज व्हाट आई कॉल्ड अर्थ लक, ओवर विच वी हैव डायरेक्ट कंट्रोल, ओवर विच देर आर एविडेंसेज विच आर अवेलेबल, एंड आई विल टॉक टू यू एट लेंथ कि हाउ 35% को आप कंट्रोल में ला सकते हो. एंड 15% जिसको मैं कहता हूं मैनकाइंड लक, अर्थात यदि आज मेरे माँ बाप ने मेरे को संस्कार दिए होंगे, यदि आपके पेरेंट्स ने आपको पढ़ाया होगा, कोई भी लाइन में आगे बढ़ाया होगा, तो जिंदगी में उसका भी योगदान है ना. इफ somebody has become an engineer or a doctor, or somebody has become somebody in life, somebody higher up, तो ऑफकोर्स संस्कार का योगदान यू कैनॉट रूल आउट ना. सो जिंदगी जो है ये 50 + 35 + 15 इस तरह 100% से बनी हुई है. फर्स्ट 50% आई विल कम बैक अगेन एज आई एम टेलिंग यू बिफोर द एंड ऑफ द शो हाउ यू कैन डू द इंटरवेंशन ऑफ फर्स्ट 50%. 35% इज व्हाट आई कॉल्ड अर्थ लक, जिसमें इंटरवेंशन इज पॉसिबल, डायरेक्शन इज अवेलेबल, and you can absolutely do absolutely wonders. I'm using the word wonders, okay? And 15% mankind luck jo aapko mil chuka, and which is a continuous process. Aisa nahi hai ki ek bar sanskar mil gaye to wo khatam ho jate hain. Your learning today is part of 15%. Jadi aap aaj itne lagav se baithe hue ho 200 jane aur aap roz sunte ho 500,000 jane, to iska matlab hai ki you are part of receiving that 15%. तो अपन शुरुआत करते हैं
वो 35% अर्थ लक, कि हाउ अर्थ लक इंपैक्ट्स यू। देखिए जिंदगी में आपको अगर पूछूं मैं, इनफैक्ट वी डू नॉट हैव द पोल, अदरवाइज आई वुड हैव आस्क्ड, अगर मैं पूछूं कि आपको क्या चाहिए लाइफ में, व्हाट वुड यू रिप्लाई? आई एम गिविंग यू अ चॉइस, आई कैन स्टार्ट टॉकिंग टू यू अबाउट कि आपको लाइफ में क्या अच्छी हेल्थ चाहिए, आपको लाइफ में क्या खूब पैसे चाहिए, आपको लाइफ में क्या ऐसा चाहिए कि बच्चे आपकी बात सुने और ग्रोथ पाथ पे होवे, आपको क्या ऐसा चाहिए कि आपका खूब नाम होना चाहिए, आपको लाइफ में ऐसा चाहिए क्या कि मैं काम तो खूब करता हूं लेकिन मेरे पास पैसे टिकते नहीं है तो पैसे टिकने चाहिए, आपकी प्रायोरिटी क्या है, बता देंगे क्या कुछ? व्हाट आर योर प्रायोरिटीज? कैन यू प्लीज राइट, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं क्या कि आपको प्रायोरिटी क्या है, बिकॉज देन आई विल एड्रेस अकॉर्डिंगली। देयर इज नो साउंड, आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है भैया, आवाज आ रही है ना? यस यस आ रही है भैया, बिकॉज देयर इज पीपल आर राइटिंग, देयर इज नो साउंड। ओके, इट इज स्टार्टेड कमिंग। ओके, हाँ हाँ थोड़ा लिख दीजिए भाई, मेरे को पता चले कि क्या चाहिए, हेल्थ और वेल्थ। ओके, पीस एंड हैप्पीनेस फॉर माय फैमिली, हेल्थ एंड हैप्पीनेस, गॉड हेल्थ, शांति। हाँ शांति इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, आई फॉरगॉट टू टेल यू, शांति तो चाहिए ही चाहिए ऑफ कोर्स। ओके, हैप्पीनेस, वेल्थ, हेल्थ, हैप्पीनेस एंड पीस, गुड रिलेशनशिप, या वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप की भी बात, आई विल इंक्लूड द रिलेशनशिप बिजनेस इन दिस। ओके, आई थिंक आई एम गेटिंग एसेंस ऑफ इट, थैंक यू, आई हैव अंडरस्टूड। आपके हिसाब से मेन एसेंशियल पॉइंट कौन सा होगा? हैं? आपके हिसाब से मेन पॉइंट कौन सा होगा? कौन सी चीज जरूरी है ज्यादा? नो, आई थिंक पीपल शुड नीड ऑल, आई जस्ट वांटेड टू नो कि उनकी प्रायोरिटीज क्या है लाइफ में, तो वो जो प्रायोरिटीज के हिसाब से सेट कर दो ना मैं। बॉन्डिंग बिटवीन फैमिली मेंबर, देखिए मेरे को ये असंस मिल रहा है, मोक्षा चाहिए, ओ भाई साहब मोक्ष देने के लिए मैं सक्षम नहीं हूं। I saw my inability to guide you to moksha because I am looking for one myself, but probably वो मेरे टॉप लिस्ट में, अगर आज कोई पूछे मेरे को तो मेरे शायद वो फर्स्ट लिस्ट में नहीं है, but I appreciate career, of course career is very good, somebody has mentioned career, career growth is an important part, huh? yes, career growth is an important part. Okay, तो मैं एक ऐसा समझता हूँ कि सबसे बॉटम लाइन जो मैं समझ रहा हूँ इसमें, कि घर में सबसे पहले शांति होनी चाहिए, everybody is looking for peace in the life. अच्छा peace कब आएगी पता है आपको? पीस तभी आ सकती है अगर तो आपकी विश फुलफिलमेंट होवे लाइफ में, जब विश फुलफिलमेंट होगी तो अपने आप पीस आएगी। अच्छा विश फुलफिलमेंट कैसे हो सकती है? विश फुलफिलमेंट होने के लिए अगर आपके पास डिजायर्ड अमाउंट ऑफ मनी होगा, बच्चे पढ़ते होंगे, एवरीथिंग इज इन ऑर्डर, लाइफ स्मूथली चलती होगी, तो ऑब्वियसली लाइफ में शांति आएगी। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि लेट अस ट्राई एंड गेट शांति इन अवर लाइफ, आई थिंक शांति विल एड्रेस मेनी थिंग्स, यू नो। नाउ हियर आई वुड लाइक टू, मेरे पास स्क्रीन शेयर की कोई गुंजाइश है ना? वेरी, या ओके, स्क्रीन स्क्रीनिंग में मैं क्या कर सकता हूँ, एक मिनट। अच्छा ये चल ही नहीं रहा आज, वेरी गुड, दैट्स लवली। अब क्या करेंगे, क्लोज, हाँ अभी ओके, वन सेकंड, मे बी देयर इज समथिंग हियर, ओ माय गॉड, ओके, this is unbelievable, लेकिन ओके इसमें नहीं है, आई एम अनेबल टू, ये पीपीटी चली जाती है कभी, क्या ऐसा होता है क्या? कैन यू लूज सेंस ऑफ पीपीटी ऑल्सो? कौन सी शॉर्टकट है, थोड़ी दिखाएंगे वापस? ये है पीपीटी, कभी हुआ नहीं, मैंने तो 250 वेबिनार एड्रेस किए, ये आज इट सेज कि योर ऐप कैन नॉट ओपन दिस, कॉपी टू क्लिपबोर्ड, दिस ऐप कैन नॉट ओपन, वेरी गुड, नहीं गॉड वांट्स टू टेल समथिंग एल्स, चेक योर विंडोज,
पावर पॉइंट आ नहीं रहा है आज, क्यों नहीं आ रहा होगा? कोई बात नहीं, चलो वी विल गो विदाउट द पावर पॉइंट, कोई बात नहीं। चलिए, डाउनलोडिंग पावर पॉइंट हो रहा है क्या? इज इट अपडेटिंग ऑन इट्स ओन? अब हाँ हाँ सर, इसलिए नहीं हो रहा है क्या? लग तो ही रहा है सर। चलो कोई बात, वी विल कम बैक टू इट लेटर, कोई बात नहीं। चलिए, राइट क्लिक ऑन योर पीपीटी, राइट क्लिक ऑन माय पीसी, पीपीटी में राइट क्लिक करूं? ओके, और ओपन विद पीपीटी। वैसे यही है पीपीटी एक्चुअली, आई डोंट नो। चलिए कोई बात नहीं, चलिए लेट्स गो बैक टू द थिंग। क्लोज, इसको मैं क्लोज ही करता हूँ। मैं फिर ओहो, आई वुड हैव लव टू शो यू समथिंग बट नेवर माइंड। 48 मैजिकल टूल्स, नो मेरे पास और बहुत रिसोर्सेज है, कोई बात ही नहीं है। Okay. See, what happens is, I wanted to show you some energy pattern ka ek diagram hai, wo dikhana chahta tha. But let me show you something. Ki aapko jindagi mein shanti jaldi chahiye hoti hai na life mein, to copy paste your PPT in some other location and try to open it. Okay. I'll do that. Please open in PC and then right click. Okay. Thank you. WhatsApp you can open. नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। लेट मी शो यू, छोटा सा एक काम आपको करके दिखाते हैं। चलिए, एक स्लेट, स्लेट, ओके, लेट मी शो यू समथिंग। ये तो होना चाहिए ना, कम ऑन, शेयर, स्लेट। The application cannot be started. Try reinstalling the application to fix the problem. Aisa? Even slate cannot be started. Lovely. Kya ho gaya hoga? One second. Sir, kuch update hua hai, uske karan ho raha hai. Aapka system reboot hoga to theek ho jayega. But abhi kahan reboot ho payega? Abhi to possible nahi hai. Oh God. That's lovely, huh? कोई बात नहीं, चलिए। तो that means this is not opening, close. Desktop पे मत रखा कीजिए इतना सारा चीज। हाँ। ये सारी चीजें कभी भी जा सकती है। Very good. Desktop पे ऐसे ही भरा होता हर कोई मुझे। Okay, चलो ये खुल गया। At least I can show you something. Okay. Very good. ये क्या है कि clutter ज्यादा हो गया। देखिए जिंदगी में अगर आई विल ट्राई एंड क्लोज, आई विल ट्राई टू जॉइन विद फोन, आई शो ऑन विथड्रॉइंग इटसेल्फ, यू नो। गुड, ये बड़ा हो जाएगा ना, ये तो कोई बात नहीं। अनबिलीवेबल थिंग्स आर हैपनिंग। गुड, देखिए घर आपका जनरली कैसा घर होता है? आई एम राइटिंग हियर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट। ओके, नाउ आई मस्ट टेल यू कि अगर जिंदगी में शांति चाहिए, जिंदगी में इफ यू आर लुकिंग फॉर पीस इन लाइफ, प्लीज पे अटेंशन टू दिस वेस्ट ऑफ द हाउस। ओके, वेस्ट ऑफ द हाउस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पीस। West of the house is responsible for fulfillment in life. यदि आपको जिंदगी में fulfillment चाहिए, चाहे कोई सा भी goal हो, religious goal हो, PhD doctor बनना हो, आपका जिंदगी में चाहिए कि मेरे बच्चे को success होना चाहिए, मेरे को financial success life में चाहिए, I am looking for something great in life, that means fulfillment. आज मैं आपको एक master की दिखाने जा रहा हूं, let me tell you friends, कि आप अपने घर का पश्चिम, वेस्ट ऑफ द हाउस,
वेस्ट ऑफ द वर्कप्लेस को यदि बैलेंस कर लेंगे तो फुलफिलमेंट विल ऑलवेज बी योर्स. नाउ हाउ डू यू नो वेस्ट ऑफ द हाउस? तो देखिए आप डोंट लुक एट द जस्ट द सन, कि अगर सूर्य यदि आपका उगता है ईस्ट में तो ऑपोजिट इज वेस्ट, बिकॉज पहली बात है कि सूर्य कभी ईस्ट में उगता नहीं है. ये बहुत भारी बात बता रहा हूं मैं आपको. सन नेवर एवर राइजेज इन ईस्ट. सन कीप्स राइजिंग बिटवीन नॉर्थ ईस्ट टू साउथ ईस्ट. यू नो इट कीप्स रोटेटिंग अबाउट 40 degrees ड्यूरिंग द ईयर, उत्तरायण से दक्षिणायण के बीच में. तो ऑलवेज यूज अ कंपास टू फाइंड आउट वेर इज योर ईस्ट, स्टैंड इन द सेंटर एंड देन यू विल फाइंड आउट वेर इज द वेस्ट जोन ऑफ योर हाउस. ओके, सो वेस्ट जोन अगर ऑफ द हाउस अगर आपके कंट्रोल में होगा तो आपकी लाइफ में विश फुलफिलमेंट होगी. अब कंट्रोल में होगा का मैं डिकोड कर रहा हूं, व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोल में होगा. वेस्ट ऑफ द हाउस में यदि आपके पास टॉयलेट नहीं होगा, वेस्ट ऑफ द हाउस में यदि आपने कोई बालकनी नहीं होगी या बालकनी रखी होगी तो उसमें प्लांट्स नहीं रखे होंगे, तो आपके फुलफिलमेंट होने के चांसेस ज्यादा है. वेस्ट ऑफ द हाउस में अगर आपने डेकोरेशन किया है कुछ ग्रीन से और ब्राउन से और रेड कलर से, आई कैन गिव यू इन राइटिंग कि जिंदगी में फुलफिलमेंट नहीं होगा. मैं आपको देखिए छोटे छोटे नुस्खे बता रहा हूं विच कैन ड्रामेटिकली चेंज योर लाइफ ओवरनाइट, एंड आई एम यूजिंग द वर्ड ओवरनाइट. ओके, वेस्ट ऑफ द हाउस. अच्छा, यदि आपके टॉयलेट है, बालकनी है, तो क्या उपाय करना, मैं सबका जवाब दूंगा आपको. आई हैव केप्ट क्यू एंड ए सेशन एट द एंड ऑफ द सेशन. लिख के रखिएगा, बिकॉज अभी धमाधम इतनी सारी बातें आने चालू हो जाएगी कि यू नो यू विल स्टार्ट वंडरिंग कि फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट. इट्स जस्ट अ बिगिनिंग. वेस्ट ऑफ द हाउस में अगर आपका वो कट होगा, यू नो कट, इसको कट बोलते हैं, या एक्सटेंशन होगा. वेस्ट ऑफ द हाउस यदि आपका एक्सटेंशन है, ऐसा है अगर यूं आके यूं हो गया, यदि एक्सटेंशन है दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम. सो कुल मिला के जब भी आपका वेस्ट डिस्टर्ब्ड होगा फॉर वन रीजन और द अदर, आपकी विश फुलफिलमेंट नहीं होगी. यदि विश फुलफिलमेंट नहीं होगी तो घर में शांति नहीं आ सकती है. विश फुलफिलमेंट के दो तरीके हैं. आप लोग को अगर पेन और पेपर साथ में है तो आज लिख लेना. दिस आई एम गोइंग टू शेयर समथिंग एक्साइटिंग, आई हैव नेवर स्पोकन अबाउट इन दिस फॉर्मेट. ओके, दिस इज जनरली शेयर्ड इन ऑल माय पेड टॉक शोज. लेकिन मैं आपको एक बताऊं कि ये कि जिंदगी में फुलफिलमेंट नहीं होने के दो प्राइम कारण होते हैं. एक तो अभाव, और मैं आज आपको एक तरीका बताऊंगा जो अभावों का अभाव कर देगा. यू नो द मीनिंग ऑफ अभावों का अभाव. जो अभाव है वो ही चले जावे तो उसको मैं कहता हूं अभावों का अभाव. तो जिंदगी में अभावों का अभाव कैसे कर सकते हैं और जिंदगी में शांति कैसे ला सकते हैं, मैं दो तरीका बताता हूं. एक तो पहला तरीका बताता हूं शांति और सक्सेस लाने का, और उसके बाद में बताऊंगा जिंदगी में वेल्थ कैसे इंट्रोड्यूस करने का. ओके, पहला तरीका शांति कैसे लाने का. देखिए शांति इसलिए अशांति लाइफ में होती है. लाइफ में अशांति क्यों होती है? लाइफ में अशांति इसलिए होती है कि आपका वन सेकेंड, कैन यू सी मी गाइस? यू कैन ना. लाइफ में अशांति इसलिए होती है कि आपका कहा हुआ काम नहीं होता, चाहे आपकी हेल्थ सपोर्ट नहीं करती, चाहे यू नो घर में आप घर में जाओ तो ऐसा है कि चिक चिक चालू हो जाएगी, चाहे बीबी की हो, बच्चों की हो, ये वो, सास की हो, बहू की हो, यू नो प्लेंटी ऑफ थिंग्स कीप हैपनिंग. आई एम शोइंग यू टू सिंपल वेज. आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर्स कैन चेंज योर लाइफ. इसको एक को मैं बोलता हूँ मून चार्ज्ड वाटर, और सेकंड को बोलता हूं सन चार्ज्ड वाटर. पहले तो आपको एक तरीका बताता हूं मून चार्ज वाटर का. आप जो है एक ग्लास की या प्लास्टिक की खाली बोतल लीजिएगा, क्लियर बोतल है जिसमें यू कैन सी आर पार, और उस बोतल में पानी भर दीजिए, और रोज सुबह
जब धूप निकलने का टाइम होवे तब आप अपने छत पे लगा दीजिए, जिनके छत नहीं है अपार्टमेंट में रहते हैं तो उस बालकनी में लगाइए जहां पर धूप आती हो, बालकनी नहीं है तो उस कमरे में लगाइए जहां पर धूप आती हो। कीप इट देयर राइट थ्रू द डे, ओके। ऐसा आप मिनिमम 15 दिन करेंगे। पहले दिन आपने पानी रखा, फिर शाम को देख लेना थोड़ा सा इवोपरेट हो गया होगा, एड सम वॉटर इन दैट। सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, आफ्टर 15 डेज आपके पास वो पानी का पूरा भरा हुआ बोतल आ गया है जो कि कंप्लीटली सन चार्ज्ड पानी है। और दूसरा, साइमल्टेनियसली एक ऐसा बोतल लीजिए जिसका कलर ब्लू कलर का हो, उसमें आप पानी भरें, और फुल मून के दिन, ऑन द डे ऑफ फुल मून, यू टेक इट ऑन योर टेरेस और वेर एवर द चांद का रोशनी आता हो उस जगह पर रखें, सुबह होने के टाइम पे निकाल लीजिए। डू इट फॉर फ्रॉम फुल मून टू नो मून डेज, 15 दिन वो करें। 15 दिन के पास आपके पास दो बोतलें हो गई होगी, एक है सन चार्ज्ड वाटर, दूसरा है मून चार्ज्ड वाटर। नाउ यू हैव सम मैजिक पोशन विथ यू, नाउ आई विल टेल यू हाउ यू कैन यूज दिस। देखिए, इफ समबडी इज इल, समबडी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू ट्रीटमेंट, आपका जो सन चार्ज्ड वाला बॉटल है उसमें से थोड़ा थोड़ा एक एक चम्मच पानी पिलाइए उनके दवाई के साथ। सन चार्ज वाला जो बॉटल है उसको आप रोगी के पास या पर्सन हु इज सफरिंग उसके बेड साइड में ओवरनाइट रख दीजिए, मॉर्निंग को वो ले लीजिए, एंड जिस दिन आपने रखा हो उसको रिचार्ज के लिए वापस सन में लगा दीजिएगा। यू कैन कीप डूइंग दिस, जैसे आप अपन 21 दिन का भक्तामर का आप करते हो ना मनुष्ठान, उस टाइम पे इफ यू यूज दिस सन चार्ज्ड वाटर आल्सो यू विल गेट एडिशनल पुश इन दैट। अ सन चार्ज्ड वाटर हैज अ फैंटास्टिक एबिलिटी टू ब्रिंग अबाउट मोर एनर्जेटिक्स इन द बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, ओके। तो बॉडी, माइंड एंड सोल में आपको एनर्जेटिक्स लाना है तो आप सन चार्ज वाटर को यूज करें। दूसरा यूज जो है इज यू शुड यूज इट इफ यू फाइंड योर चिल्ड्रन आर नॉट परफॉर्मिंग वेल इन द स्कूल्स एंड कॉलेजेस और व्हाटएवर, आप उनके रूम में थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दीजिए। यू कैन यूज दैट वाटर इन योर वर्क प्लेस, जब आपकी इंपॉर्टेंट मीटिंग हो यू जस्ट स्प्रिंकल इट ऑन योर टेबल अराउंड यू ऑन योर साइड। इफ यू हैव अ वेरी इफ यू आर एक्सपेक्टिंग एनी स्टॉर्मी बोर्डरूम मीटिंग, टेक दैट वाटर इन टू अ बोर्डरूम, स्प्रिंकल इट अलोंग द साइड्स जहां आप बैठने वाले हो, नॉट वेयर द अदर पीपल आर गोइंग टू सिट, ओके। अदरवाइज इट विल बी रियली स्टॉर्मी, आई वॉन्ट यू टू बी इन कंट्रोल ऑफ सिचुएशंस, ओके। तो सन चार्ज वाटर कैन डू एब्सोल्यूट वंडर्स फॉर यू टू गेट थिंग्स अंडर कंट्रोल, एंड दैट इज अ फर्स्ट स्टेप फॉरवर्ड इन विश फुलफिलमेंट। Now let's move to the basis. I can speak for sun charge water for 2 hours. I am keeping in mind, I have to share a lot of things with you, okay? The second is the moon charge water. The moon charge water, as you can know, ki uska kaam hai shanti pradan karna. To jab bhi lage ghar mein ki ya to jamela ho chuka hai, just sprinkle it, tempers will cool down. Aur aapko lage ki aaj ye matter discuss hone wali hai, और उसमें एवरीबडी इज गोइंग टू लूज कूल बिकॉज एवरीबडी इज ऑन अ शॉर्ट फ्यूज, तो जिस जगह पे बात होने वाली हो वहां प्री स्प्रिंकल कर दो आप, थिंग्स विल कूल डाउन, हल निकल के आएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट विच ईच वन ऑफ अस आर वरीड अबाउट इज चिल्ड्रन, बच्चे आज इतने हाइपर एक्टिव हो गए हैं कि 14 से 21 साल वाले बच्चे तो बात सुनते ही नहीं है, they have become so aggressive, बच्चों parents की बात नहीं सुनते। This is the time when for them the phone and friends, उसको छोड़ के उनको और कुछ सुझता नहीं है। And I tell you my friends, मेरा काम है रोज at least 5 घर देखने का, 4 घर देखने का, and what I have always found is that 7 out of 10 houses have this problem. Ki where people are faced with a situation where children don't listen to them. If that is a scenario with you also, aap jo hai us pani ko unke kamre mein sprinkle karein. Us pani ko unke jo pani peene ka jo aap dete ho bottle, usme thoda sa mila dein, 2 chamach, 3 chamach.
चार चम्मच रोज रोज, आई टेल यू दे विल एटलीस्ट स्टार्ट थिंकिंग स्ट्रेट. उनको समझ आएगी कि मेरे पेरेंट्स यदि मेरे को कहते हैं तो उसका भी कोई मीनिंग है. नाउ दिस इज अ बिग रिलीफ, आई एम टेलिंग यू, ये छोटी बात बता रहा हूं मैं, बट दिस कैन ब्रिंग अबाउट ह्यूज चेंज इन योर लाइफ इफ यू डिस्कवर टुमारो कि आपके बच्चे की अनड्यू अग्रेसिवनेस कम हो गई है एंड दे आर लिसनिंग टू यू. वंडरफुल इज़न्ट दैट? इट विल बी एब्सोल्यूटली वंडरफुल. ओके, सो आप मून चार्ज वॉटर जो है, जब गुस्सा होवे घर में somebody is, you know, देखिए आम तौर पे आप देखना, if it's a joint family, एक व्यक्ति ऐसा होगा उसको बार बार गुस्सा आता है और आता ही आता है. तो जब भी ऐसे गुस्से वाले व्यक्ति को आप थोड़ा सा पानी पिला देंगे मून चार्ज वॉटर, अनड्यूली गुस्सा नहीं होगा. जायज गुस्सा हो तो कोई बात नहीं, पता नहीं गुस्से को जायज कहें या नाजायज, मतलब मेरे को नहीं पता, बट ऑल आई एम सेइंग इज दैट कि गुस्सा अनड्यूली जो कोई करता है तो उनका फ्लेयर काम पे आ जाएगा, बच्चे बात सुनेंगे, दे विल बी एबल टू फोकस इन देयर स्टडीज. तो अपार्ट फ्रॉम डूइंग दी छठवा श्लोक अल्पा श्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम वाला, आई वॉन्ट कि आप जो है एक मून चार्ज वॉटर भी बच्चों के कमरे में थोड़ा सा स्प्रिंकल करें, बच्चों का माइंड स्टेबल रहेगा एंड यू विल बी रियली एबल टू डू वेरी वेल. तो मैंने कहा विश फुलफिलमेंट वाला इलाका जो है वो घर के पश्चिम का इलाका है जो आपको शांति दे सकता है. तो शांति देने के मैंने दो तरीके बताए, और तीसरा दी भक्तामर वे ऑफ डूइंग शांति, भक्तामर वे ऑफ डूइंग विश फुलफिलमेंट इज एवरग्रीन 28 श्लोका उच्चे रसोक तरु संस्रित मुन मयूख माभाति रूप ममलम भवतो नितांतम स्पष्टो लसत किरण मस्त तमो वितानम बिंबम रवे रिव पयोधर पार्श्ववर्ती ओम नमो भगवते जृंभाय जृंभाय मोहय मोहय सर्व सिद्धि सौभाग्यम संपत्ति सौख्यम गुरु गुरु स्वाहा ओम रीम अरम नमो महातवाणम ज्योम ज्योम नमस्व. इफ यू कैन रिसाइट दिस श्लोका सिटिंग इन द वेस्ट, देखिए आप जो रिचुअल करते हैं रोज सुबह जहां भी मंदिर में बैठ के वो तो करिएगा ही, इट इज नॉट इन लियो ऑफ दैट, आई एम गिविंग यू एन एडिशनल थिंग. नो बार इफ यू कैन यूज the west of your house, keeping your eyes closed, focused on your goal, ki aapko kya chahiye wish fulfillment ke liye, I tell you, 28th shlok is an ultimate upay to help you get closer to your goal. To dekhi, abhi aapke paas vastu ke upay bhi aa gaye, energetics ke upay bhi aa gaye, dishao ka gyan bhi aa gaya, aapko integration of bhaktamar bhi aa gaya. तो यदि आप वेस्ट को अच्छे से उपयोग कर पाएंगे, आई कैन प्रॉमिस यू बिल्कुल विश फुलफिलमेंट होगा, आपकी जो आपकी सोच है वो फुलफिल होगी और लाइफ में बढ़ोतरी होनी ही है. लेकिन मैटर इज नॉट ओवर येट, क्योंकि अभी पैसे की बात तो करी नहीं. पैसा तो चाहिए है ना भैया, पैसा चाहिए या नहीं चाहिए? ऑफ कोर्स मनी इज इंपॉर्टेंट, आई कैन सी दैट. How can there be life without money? So let us find out how you can have more money. Because peace ki to ek baat ho gayi. But the bottom line, how you can have better career prospects, how you can have more money, how you can have better cash flow, how you can have more money, and how you can actually save money that you make, you know. I am telling you, aur ye baat main aapko bata raha hu aaj se 40 saal pehle ki. Today, let's say I'm 62, you know, so I'm talking about when I was just about 20, 42 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ आपको. उस टाइम पे हमारे को इतना पता भी नहीं होता था ये एस्ट्रोलॉजी और ये सब. सो आई हैड गोन टू वन ऑफ द पंडित्स, यू नो, हाथ दिखाने के लिए कि पंडित जी क्या क्या लिखा है मेरे भाग्य में, बताओ सही. एंड ही लुक्ड एट माय हैंड एंड ही सेड, अरे आप तो भाग्य के बड़े धनी हो. मैंने कहा वो तो ठीक है, पैसे के धनी हो कि नहीं हो ये तो बताओ, भाग्य का तो धनी हो, क्या हो लिखा है भाग्य में. एंड ही सेड कि देखिए आप लखपति बनेंगे, आपके पास मोटर कार होगी और आप विदेश यात्रा करेंगे. एंड आई टेल यू, ट्रस्ट मी, आई वाज सो ओवरवेल्म्ड, यू नो, अरे वाह, लखपति भी बन जाऊंगा, विदेश यात्रा भी करूंगा, मोटर कार भी होगी. तो आई मीन प्रोबेबली 40-50 ईयर्स बैक दिस वॉज अल्टीमेट इन लाइफ कि मोटर कार आ गई, लखपति हो गए. तो नो लॉन्गर दीज आर वैलिड, इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम दैट आई ट्रैवल टू 51 कंट्रीज इंडीड,
for my vastu energy dynamics practice. But what I'm saying is, ki it was good then, but it is no longer sufficient if I tell you ki aap lakhpati ban jaoge. So today, what is important is, even if you get crores of rupees, bottom line is ki saal ke baad aapka bachta kitna hai. So let us talk today. How you can have lot of cash, how you can save lot of cash, how you can actually increase your net worth. Okay, I am going to share net worth. और जिनको अभी मन में भावना होवे कि 2-3% अलग रखना है ये net worth जो बढ़ेगी उसमें से, और मेरे को मेरे लिए नहीं चाहिए. I will tell you where we can use that money. एक संकल्प कर लेना भाई आज अपने दिल पे हाथ रख के कि अगर आपकी net worth आज 100 करोड़ की है और कल 150 करोड़ होती है, तो बाकी के 50 करोड़ का 3% मैं जहां कहूं वहां तैयार हो क्या? अपने आप को बोल देना, यहाँ चैट बॉक्स में लिखने की जरूरत नहीं है. आई डोंट वॉन्ट एनी कमिटमेंट फ्रॉम यू. डू कमिटमेंट टू योर सेल्फ एंड आई एम आस्किंग मनी फॉर नॉट माई सेल्फ. आई टेल यू फॉर सम गुड यूज टू बी यूज बाई यू ओनली. ओके, तो सुनिए, हाउ यू कैन हैव मोर मनी इन योर लाइफ. फॉर मनी द इम्पोर्टेंट डायरेक्शन इज नॉर्थ. नॉर्थ एक ऐसी दिशा है उत्तर कि यदि उत्तर की दिशा आपके कंट्रोल में आ गई, ओके, अगर उत्तर की दिशा आपके कंट्रोल में आ गई, तो आप समझ लीजिए कि आपके लाइफ में एक दरवाजा पैसा आने का खुल गया. ओके, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय उत्तर की दिशा में आपके कंट्रोल में आ गई? लेट मी टेल यू, उत्तर की दिशा में जब भी कहीं पे आप उसकी हाइट बढ़ा देते हैं, उत्तर की दिशा में, यू नो आई हैव सीन, यू नो आजकल मॉडर्न फ्लोरिंग कैसा होता है कि फ्लोरिंग इज एट वन लेवल, सडनली एट वन पॉइंट यू डिस्कवर कि वहां पर एक बम्प अप दे दिया या आपने रेज लेवल दे दिया. तो अगर नॉर्थ का लेवल आपने लेवल हाई करके रखा है, तो दैट इज डिट्रीमेंटल टू रिसीव अ बेटर कैश फ्लो. इट इज डिट्रीमेंटल टू योर करियर प्रोस्पेक्ट्स. जिन लोगों को जिंदगी में करियर ग्रोथ में आगे बढ़ना है, उनके लिए ये खतरे की घंटी है. आई एम टेलिंग यू, तो मेक श्योर कि वहां पर ऐसा लेवल डिफरेंस होके ऊंचा लेवल नहीं होना चाहिए. सेकेंडली, नॉर्थ के अंदर में जब भी आप प्लांट्स रखेंगे, यू नो यू आर एक्चुअली ब्लॉकिंग योर अपॉर्चुनिटी टू गेट मोर इन लाइफ. प्लीज डू नॉट कीप प्लांट्स इन नॉर्थ. नंबर थ्री, नॉर्थ में यदि आपके घर में कोई स्टोर है और वो स्टोर भरा हुआ पड़ा है, यू नो विथ नॉन डिस्क्रिप्ट थिंग्स, यू आर एक्चुअली ब्लॉकिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर योरसेल्फ. आपके जिंदगी में नए अवसर पैसे कमाने के आ ही नहीं सकते, और यदि आ गए तो आप उसको एनकैश ही नहीं कर पाएंगे. आई एम टेलिंग यू दैट. उस जगह पे यदि मान लीजिए एक किसी का स्टोर है जी, रिटेल प्लेस है, वहां पर नॉर्थ में यदि उसने, और घर में भी यही में बात आएगी, आई एम गिविंग यू साइमल्टेनियसली टू थिंग्स, यू नो बिकॉज़ लॉट ऑफ पीपल हैव स्टोर्स एंड आई एम गेटिंग इन्फॉर्मेशन दैट व्हाट टू डू इफ मेरा स्टोर बराबर नहीं चलता है. जनरली इट हैपेंस मेनी टाइम्स इन यूएस एंड ऑल आल्सो. सारे कन्वीनियंट स्टोर्स हैं, डजंट गेट टू सेल वेल. नॉर्थ में यदि आपके यहाँ पर रेड कलर होगा, ऑरेंज कलर होगा, पिंक कलर होगा, आपका किचन होगा, तो यू आर डिनाइंग. मैं आपके सबका उपाय बताऊंगा यदि है तो, आपको तोड़ने की जरूरत नहीं है. वी विल कम टू दैट उपाय लेटर. लेट्स गेट टू द नो द फैक्ट्स फर्स्ट. यू नो एज द सेइंग इन इंग्लिश कि यू नो योर फैक्ट्स स्ट्रेट, देन यू कैन ट्विस्ट देम एज यू प्लीज. सो आई विल टेल यू नॉट द ट्विस्ट, द उपाय, द क्योर्स ऑफ इट. ओके, सो नॉर्थ में जब भी आपके पास रेड, ऑरेंज, पिंक या किचन होगा, यू आर डिनाइंग योरसेल्फ एन अपॉर्चुनिटी. जिस घर में नॉर्थ में या जिस फैक्ट्री में नॉर्थ में भट्टियां होती है या किचन होता है, वहां पर देखिए पैसे तो आते हैं लेकिन वो टिकते ही नहीं है. मनी कैन नॉट स्टे ओनली. और जिस घर में नॉर्थ में प्रीडोमिनेंटली येलो कलर लगा होगा, आई कैन टेल यू दैट उनके यहाँ नए अवसर आ ही नहीं सकते. इफ यू स्टार्ट अ न्यू प्लेस, वहां फुटफॉल से नहीं होंगे, यू नो. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट that you just play with the colors and you can really open up plethora of good fortune for yourself. ये देखिए बहुत important tips दे रहा हूँ आपको.
If you are looking for a career growth, take care of all these things. Remove these anomalies. Focus on this. And the moment you are able to do this, I'm telling you, you will have opened up absolutely new avenues for yourself. वहां से मैं अगर आपको ले जाऊं, I will take a moment, one moment I'll take. I'll just stop my video for a second. Once, give me 1 second. I have to shut down some AC. मेरे को ज्यादा AC लग रहा है. 1 second. Thank you for bearing with me. I'm restarting the video. 1 second. क्या हो गया? Wonderful. Yeah, it has come, I guess. We are back, right? You can see me, guys? No. You can't? Lovely. आ जाएगा. It's just showing circle. I don't know. It must be some unstable. Zoom meeting is responding in a little unusual way. To meeting. Yeah, the host has spotlighted your video for everyone. That's great. Now, can you see me? Yeah, I'm back. Thank you very much. So we were talking about ki cash opportunity jindagi mein aane ke liye north bahut zaruri hai. Make sure ki wahan par bahut heavy saman na pada ho, bahut sara clutter na pada ho. The moment you remove the clutters, you know, you will open up a new vista for yourself. Aur uske baad apan le chalta hu main aapko southeast mein. Southeast is a zone which is actually responsible for two prime things. A, cash flow. वाकई यदि आपको कैश फ्लो चाहिए अच्छे से, यू नो, इफ यू आर वांटिंग कि आपका उधार दिया हुआ पैसा समय पे आ जावे, आपने किसी को लोन दी है, यू नो, जनरली लोन जो नजदीक वाले को देते हैं वही लौटाते नहीं है. व्हाट हैपेंस, यू नो, यू लूज मनी एंड यू लूज रिलेशनशिप ऑल्सो. इफ यू आर लुकिंग फॉर टू गेट बैक योर मनी विच यू हैव लेंड टू समबडी, इफ यू आर लुकिंग फॉर कि यू नो योर मनी इज स्टक इन सम लैंड डील और somehow it has gone into some unexplained mode. So take care of southeast. If you are experiencing some legal angles, you know, like काफी time लोगों को बार बार income tax की notice आया करती है, या for no reason, you know, you are dragged into some legal issues, southeast is the zone responsible for cash flow as well as legal thing. तो southeast में आपको क्या करना चाहिए? Let me tell you. ध्यान से सुनिएगा. साउथ ईस्ट इज अ जोन जहां पर यदि आपके यहां पर बहुत सारा ब्लैक कलर होगा या ग्रे कलर होगा या प्रीडोमिनेंटली ब्लू कलर होगा तो इट विल इंपैक्ट योर कैश फ्लो. सिंपल, एब्सोल्युटली छोटी बात बता रहा हूं मैं आपको. ऑल ऑफ यू आर सिटिंग इन योर होम. जब मैं क्यू एंड ए सेशन लूंगा, जब व्हेन यू आस्क मी अ क्वेश्चन, आई विल बी एबल टू टॉक अबाउट योर हाउस. यू Absolutely. Okay. I will be able to talk about your house. कि आप किस टाइप के घर पे रहते हो. While, see, today, although I am talking about direction, let me tell you, in the practice that we do, you know, we do not use direction as a tool. We have some fantastic digital instrument. मैं किसी भी घर के two persons को, a male and a female of the house को, मैं digitally scan करता हूँ. आप screen पे देख सकोगे कि कौन से जोन में कितनी एनर्जी है एंड डिजिटली एंड व्हाई इट इज सो कॉजिंग. उसका एक प्रिंट आउट निकल के आता है. ओके, सो यू नो द एनर्जी पैटर्न. आई कुड नॉट शो यू इन माय प्रेजेंटेशन दैट एनर्जी पैटर्न का इंस्ट्रूमेंट एंड एनर्जी पैटर्न हाउ इट कैन शो यू. इट मेक्स अ ग्राफ ऑफ अ प्लेस कि इस जोन में कितनी एनर्जी ऊपर है, कितनी नीचे है, कितना क्या है. I do that. I do not take decision based on direction. But just because I have not been able to show you the energy pattern wala tool, I am using the tool which I do not use much. But it also has a credibility.
तो मैं आज आपको दिशाओं की बात कर रहा हूं. ओके तो एनर्जी की बात में आई विल ऑफ कोर्स ट्राई एंड टेक यू बैक टू द एनर्जी पैटर्न एट द एंड, अगर अपने पास समय रहेगा और जब तक चल चुका होगा तो. ओके तो दैट्स व्हाई टुडे आई एम फोकसिंग ऑन डायरेक्शन, बट जनरली मेरा फोर्टे डायरेक्शन का नहीं है. आई फोकस ऑन एनर्जी पैटर्न ऑफ द हाउस. आई फोकस ऑन कि आपकी एनर्जी नीड क्या है, यू एज एन इंडिविजुअल, फैमिली एज ए होल, उसका पूरा चार्ट दिखाता हूं मैं. एंड देन यू टेक अ कॉल, इन्फॉर्म्ड कॉल, जिसमें कोई स्ट्रक्चरल चेंज नहीं आता, एंड यू कैन एक्चुअली यू कैन डू वंडर्स अबाउट इट. ओके बट राइट नाउ अनफॉर्चुनेटली आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली द डायरेक्शन. प्लीज बेयर विथ मी, हो सकता है कि एंड में चालू हो जाए तब तक. आई विल टॉक टू यू अबाउट इट. कमिंग बैक टू द कैश फ्लो, सो साउथ ईस्ट में जब भी आप रेड आई मीन ग्रीन ब्लू ब्लैक और ग्रे कलर हटा देंगे तो आपका कैश फ्लो चल पड़ेगा. साउथ ईस्ट में यदि आपके पास घड़ी लगी है जिसका शेप राउंड है, आई एम टेलिंग यू फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज दैट यू शुड रिमूव दैट राउंड वॉच फ्रॉम देयर. ओके द मोमेंट यू रिमूव अ वॉच विच इज राउंड इन शेप, यू विल स्टार्ट अनलॉकिंग अ कैश फ्लो. देखिए इतनी छोटी बात कभी सुनी है क्या? दिस ऑल प्रूवन थिंग दैट आई एम टेलिंग यू. साउथ ईस्ट इज अ जोन. जनरली क्या होता है, अगर मान लीजिए आपका किचन है तो आप वॉश प्लेस वहां होगा, वॉश यार्ड, तो नॉन डिस्क्रिप्ट चीजें पड़ी होगी, जैसे झाड़ू पड़ा होगा, पोछा पड़ा होगा, ब्रूम पड़ा होगा. साउथ ईस्ट में यदि आपने आपके ब्रूम्स पोछा का किताब और ये डस्टबिन वगैरह रख दिया, आई कैन प्रोमिस यू आपका कैश फ्लो स्टक हो जाएगा. होल्ड योर ब्रेथ. साउथ ईस्ट में यदि आपकी वॉशिंग मशीन लगी हुई है, ओ माई गॉड, वॉशिंग मशीन विल एंश्योर दैट you will have a like a roller coaster ride as far as finance is concerned, you know. Can you believe? Achha, washing machine is something, you know, I will tell you, in fact, mera ek ghante ka khali washing machine ka lecture hota hai, ki where to washing machine aap alag-alag jagah pe rakhoge to kya hoga life mein. Because aap thoda sa socho, I mean, if you just give it a thought, logically, rationally, what is washing machine? It's an agitator. It moves back and forth. Uska function kya hai? To have back and forth movement. Now, back and forth movement का मतलब क्या है कि energy flow back and forth हो रही है. अगर मैं कहता हूं कि ये zone जो है is responsible for a cash flow zone, तो वहां पर यदि आपने washing machine लगा दी तो वो back and forth आप करा रहे हो, तो पैसा आएंगे जाएंगे वो चालू ही रहेगा. Now, uninterrupted supply of money coming and staying with you is an important part of anybody's life. So आई विल टेल यू, आप तैयार रखने, यू आर्म योर सेल्फ विथ क्वेश्चन एट द एंड, नॉट नाउ, एट द एंड, कि आपको जो सवाल पूछना है वो एंड पे मैं आई रिप्लाई टू ऑल, आई हैव अ क्यू एंड ए सेशन इन डिटेल. कि बट आप रिलेट कर पाएंगे, आप लोग सब घर पे बैठे हो, कि अगर कैश फ्लो आपका नहीं आता तो आप, मैं जितनी भी बातें बोल रहा हूं, जस्ट गो एंड लुक फॉर इट, यू नो, एंड यू विल फाइंड दैट एंड यू विल बी एबल टू, यू विल रिलेट राइट नाउ. So once you have set your southeast right, and you know the best way to activate southeast is, agar aap wahan ek ghadi lagate hain which is triangular in shape, wooden ki bani ho, triangular in shape wali jadi aap ghadi wahan laga denge, I am telling you, you will be able to activate that zone and cash flow will start coming uninterrupted, you know. Jab aapke paas cash flow aa jave, jab aapke paas naye avsar aa gaye, कैश फ्लो भी आना चालू हो गया, तो व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग यू वांट? यू वांट दैट मनी शुड स्टे विथ यू. नाउ व्हाट डू यू डू? आई एम अनलॉकिंग अ बिग सीक्रेट विथ यू गाइस, हाउ टू होल्ड मनी. ओके, और वो 3% वाला आप साइड में रख देना भाई, सब लोग ईमानदारी से, अगर एक साल में आपका जितना भी एडिशनल ग्रोथ होता है, आपका नॉर्मल ग्रोथ मान लो आप 100 रुपए कमाते हो, आपका नॉर्मल ग्रोथ 20% का है, तो 120 के ऊपर जो होगा उसमें मैं मांग रहा हूं, पूरे पे नहीं मांग रहा हूं. ठीक है, आर यू रेडी गाइस? सब जाग रहे हैं? यस तो लिख दो यार, यस लिखोगे तो समझ में आएगा कि यस है. ऑल राइट, यू आर रेडी एंड वेटिंग, ग्रेट. देखिए, द जोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मनी कलेक्शन इज अ जोन विच इज आफ्टर साउथ वेस्ट एंड बिफोर वेस्ट. रिमेंबर माई वर्ड्स केयरफुली. A zone which is after southwest and before west.
जनरली लोगों के मन में एक भ्रांतियां है कि साउथ वेस्ट में लोकर रखते हैं, नहीं रखते हैं। साउथ वेस्ट में लोकर रखने से पैसे नहीं आते हैं। पैसे यदि टिकाना है तो आफ्टर साउथ वेस्ट एंड बिफोर वेस्ट इज अ जोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग मनी दैट यू मेक, ओके। और वहां पर आपका एक ऐसा अलमीरा होना चाहिए जो कि वेस्ट वाली दीवार पे लगा हो, और वेस्ट या साउथ वाली दीवार पे लगा हो, इधर उसका मुंह खुलता है नॉर्थ की तरफ या ईस्ट की तरफ। उसके अंदर में आई वॉन्ट यू, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई एम शेयरिंग विथ यू, आई वॉन्ट यू टू मेक अ वेल्थ वास। वॉट इज वेल्थ वास? वेल्थ वास इज जैसे आपने सुराही जैसा देखा है ना, वास जो फुलदानी होती है, बट टेक अ बिगर वेल्थ वास जिसका मुंह जो है ऊपर से छोटा हो और नीचे से बड़ा हो, यू नो इट इज लाइक दिस। तो यू गो फॉर अ वेल्थ वास, एंड उस वेल्थ वास का बनाने का एक तरीका बताता हूं। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्रेड रीत, आप बताए मैं आपको लिख सुन लीजिएगा। एक वेल्थ वास में यू नीड सम इनग्रेडियंट, जैसे आपके घर के 5-7 धान्य चाहिए, गेहूं, राइस, पल्सेस, यू नो All types of chini, namak, you put it inside in this. थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए, फिर उसको आधा मिट्टी से भर दीजिए। ऐसी मिट्टी लाएं जो आपसे उसके वाले घर से लेके आए हैं, जिनके घर का वैल्यू आपके घर से ज्यादा हो। What do I mean by value? यानी कि आप जिसको समझते हो कि वो तन मन धन से आपसे ज्यादा धनी है, उसके घर की मिट्टी लेके आए और अपने वेल्थ वास में डाल के रखें। नाउ कण कण में वाइब्रेशन होता है, देयर इज अ वाइब्रेशन इन एवरी पार्टिकल। जब आप वो मिट्टी को लेके आएंगे और वो अपने घर में रखेंगे तो उसमें धन का वाइब्रेशन है। और मैं धनी खाली पैसे वाले को नहीं कहता, जो आपसे ज्यादा तन मन धन से सुखी हो ऐसे घर वाले की मिट्टी लेके आइए और उसमें आधी भर दीजिए। जनरली देर आर टू वर्ड्स ऑफ कॉशंस। नंबर वन, आई डू नॉट लाइक अ मिट्टी ब्रॉट फ्रॉम अ पॉलिटिशियंस का घर, ओके, क्योंकि वो हमेशा तनाव में ही रहता है, पता नहीं कैसे पैसे आए हुए हैं। सो अवॉइड मिट्टी फ्रॉम अ पॉलिटिशियंस हाउस। सेकेंडली, यू अवॉइड मिट्टी फ्रॉम एनी रिलीजियस प्लेस, ओके। रिलीजियस प्लेस की भी मिट्टी मत लाइएगा, बिकॉज अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो एक सांसारिक सुख की बात कर रहा हूँ, एक भौतिक सुख की बात कर रहा हूँ, धन संचय करने की बात कर रहा हूँ, तो मैं अभावों का अभाव करने की बात कर रहा हूँ। तो इसमें मिट्टी ऐसे आदमी की चाहिए कि जो वाकई हु हैज प्रोस्पर्ड वेल इन लाइफ, ही हैज सम स्टैंडिंग इन द मार्केट, एवरीबडी जनरली कंसिडर्स हिम यू नो वेरी वेल, जिनके घर में कोई अकाल मृत्यु ना हुई हो। देखिए, डेथ तो सबके घर में हुई होगी, अकाल मृत्यु, जिसके घर में कोई असाध्य रोग ना हुआ हो। यू नो आई एम गिविंग यू अ जनरल मैट्रिक्स, हाउ डू यू डिफाइन कि हु इज बेटर ऑफ देन यू, एंड इफ यू फील कि भाई मेरे पास 100 रुपया है, उसके पास 1000 रुपया है, तो ही इज यू नो यू कैन ट्राई एंड गेट अ मिट्टी फ्रॉम हिज प्लेस एंड फिल इट अप इनसाइड योर वाज, आधा भर दीजिए। उसके बाद आपके पास जितने भी वैल्यूएबल्स हैं, थोड़ा सा चांदी का टुकड़ा हो, थोड़ा सा सोने का टुकड़ा हो, थोड़ा सा कोई गहना हो, थोड़ा सा डायमंड की कोई यू नो सस्ती वाली करच लेके आए, 1-2 कैरेट, नॉट द रियल 45,000 रुपए वाला डायमंड, वॉट एवर यू कैन, एक प्लास्टिक के जिपलॉक में डाल के अंदर डाल दीजिए, थोड़ा सा चांदी का सिक्का डाल दीजिए, फिर वापिस भर दीजिए मिट्टी से। नाउ 3/4 इज फिल्ड विथ मिट्टी एंड अदर इनग्रेडियंट्स। जब वो 1/4 रह जावे तो उसको चांदी के सिक्के से भर दीजिए, 1/4, यू नो यू मेक इट फिल इट ब्रिम टू ब्रिम, और उसके ऊपर एक येलो कपड़े से उसको ढांक दीजिए मुंह उसका, और नाउ यू हैव गॉट अ वेल्थ वास रेडी विथ यू। उस वेल्थ वास को आप अपने उस लोकर में लगा दीजिए एंड यू कीप इट इन सच अ वे दैट इट इज नॉट विजिबल टू यू एवरी टाइम यू ओपन द ड्रॉ, ओके, kept hidden inside. In good old days, they said ki you keep your money hidden. You know, you don't flaunt your wealth. So for me, this is a wealth vase, which is nicely prepared with all ingredients to attract more cash flow in your life,
एंड यू हैव पुट इट इनसाइड. और इसकी जब इसको निकालना है एक साल के बाद, ओके, इफ यू वांट टू टॉप इट अप और इफ यू वांट टू डू समथिंग और यू मे बी यू हैव जस्ट टेकन इट आउट ड्यूरिंग दिवाली के टाइम पे, जब आप धन की पूजा वगैरह करते हैं उस टाइम पे कर रखा सामने, एंड देन यू पुट इट बैक. कीपिंग अ वेल्थ वाज इज अ श्योर शॉट एंड आई एम टेलिंग यू, I have done more than 10,000 projects worldwide, and whenever I have shared this, you know, formula with my clients, and invariably they have come back to me and they said, "Thank you, doctor. We have done great job, you know, in our life." So, आपको मैं बताता हूँ कि ये अक्सीर proven तरीका है. It has no side effect, and I strongly recommend that each one of you should do it. Okay. आप जिस वेल्थ वास को जहां रखेंगे उसमें थोड़ा सा और एक वैल्यू एडिशन की बात बताता हूं. मान लीजिए एक छोटा सा यू नो एक ड्रॉअर के अंदर में वो आपके पास एक फुट बाय दो फुट का कोई जगह हो, तो यू ट्राई एंड पुट मिरर पीछे ऑन द साइड्स एंड ऑन द टॉप, एक्सेप्ट जहां आप खोलते हो छोड़ के. अगर आपने मिरर लगा दिया तो इट विल सिम्बोलिकली सिग्निफाई इन्फिनिटी. आपने देखा है कि आप चारों ओर मिरर लगा दोगे वहां आप घुस जाओगे तो आप मल्टीपल देखोगे अपने आप को. तो सिमिलरली यू ट्राई एंड क्रिएट एन इन्फिनिटी अराउंड द वेल्थ वास बाय पुटिंग अप द मिरर्स इनसाइड इन इट. यू नो मिरर लगाने के बाद इन्फिनिटी हो जावे, साल भर के बाद जब आपके पास एडिशनल ग्रोथ हो जावे तब मेरे को मत भूलना आप. ओके, रिमेम्बर मी इफ यू, अगर आपने संकल्प लिया है 3% का अच्छे काम के लिए तो मेरे को याद कर लेना, नंबर मेरा लिखा हुआ है इस पे. I'm not joking. I'm serious about it, and I will not take it for myself. Okay. So the wealth was that means आपके पास अभी अवसर नए आ गए, पैसे आ गए. I have shown you how to build wealth. Now what do you want in life? इसके बाद आपको क्या चाहिए? देखिए इसके बाद there are three things which probably you should need. Number one, good health. Number two, lot of फेम इन लाइफ, आपका नाम होना चाहिए. और उसके बाद रिलेशनशिप अच्छी रहनी चाहिए. जब रिलेशनशिप की बात करेंगे, मैं रिलेशनशिप पे थोड़ा बाद में आता हूं क्योंकि रिलेशनशिप इज रिलेशनशिप पहले लू ना, हेल्थ पहले लू, हेल्थ की बात पहले करते हैं ना. हेल्थ, ओके, हेल्थ, वो हेल्थ और रिलेशनशिप, हेल्थ 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 ना. मैसेज भी टाइप कर लो यार, इतना सो गए हो कि आप लोग नहीं ना, यू आर ऑल देयर ना. Okay, health we are talking about, sure. देखिए health के लिए जो zone है, which is responsible health, हाँ. And then if you write, then I will know कि ये आप लोग जाग रहे हो, you are there alive, absolutely with me, great. मैं health के बाद relationship की बात भी करूँगा आपसे, क्योंकि relationship का भी इतना ही importance है. और health is super, क्योंकि आपके पास धन है, but if you cannot enjoy that धन because your health is not supporting, what good is that, tell me. So health ke liye jo zone responsible hai is between north and northeast. This zone is absolutely paramount for your good health. Generally yahan bhool hoti hai, sab logo ke ghar mein aaj 90% logo ko aapko bhool milegi. Meri baat dhyan se sune, agar aapko achhi health chahiye to is zone mein कोई रसोई नहीं होनी चाहिए, किचन नहीं होना चाहिए. और अच्छा देखिए ये सारी जो बात मैं बता रहा हूं ना, लेट मी आई विल टेक यू टू अ लार्जर पिक्चर राइट नाउ, यू नो, बिफोर आई गो टू द हेल्थ. ये जो अपन जब बात करते हैं वास्तु की या एनर्जी डायनामिक्स की, व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? वी आर टॉकिंग अबाउट अ साइंस विच इज टॉकिंग अबाउट the energy of five elements. What are those five elements? Tell me. देखिए, when we die, what is said? अपना देह पंच महाभूत में विलय हो गया, ऐसा कहते हैं अपन हिंदी में. And what are those five elements? Five elements are water, wood, fire, earth and metal. और क्या कहते हैं? यत पिंडे, what is there in the body, तत् ब्रह्मांडे, that is there in the universe. We are nothing but a small portion of the whole universe. अपने एक यूनिवर्स में जो एक एक पंच महाभूत है उसका एक छोटा स्वरूप अपने अंदर पड़ा हुआ है. तो अगर अपना पंच महाभूत और यूनिवर्स का पंच महाभूत का तालमेल बराबर बन जावे तो विल देयर बी नो स्मूथनेस इन लाइफ? देयर विल बी. और पंच महाभूत को अपन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? जैसे फायर को आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो, बताओ आप मेरे को.
यू विल टेल मी फायर कैन बी आइडेंटिफाइड बाय फायर द रियल फायर. घर में आप चूल्हे की बात करोगे, किचन की बात करोगे. कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाइड बाय कलर, यस और नो? लाल कलर को अपन फायर बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ऑफ कोर्स बोलते हैं. नाउ इफ रेड कैन बी आइडेंटिफाइड बाय कलर एंड कैन यू ट्रस्ट मी, जस्ट आस्क योरसेल्फ, कैन यू विजुअलाइज योर लाइफ विदाउट फायर? कैन देयर बी लाइफ विदाउट फायर? नहीं हो सकता. इसीलिए फायर को लाइफ फोर्स कहा गया है. कैन यू विजुअलाइज योर लाइफ विदाउट वॉटर? नो. पानी ढूंढने के लिए तो अपने चंद्रमा और पता नहीं कहां कहां जा रहे हैं कि पानी है कि नहीं है, तो ही लाइफ फोर्स होता है. बिना पानी को लाइफ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना भाई. ये क्या हो रहा है अचानक? ओके, बिना पानी को लाइफ नहीं हो सकता ना. सो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ लाइफ फोर्स इज बाय फायर एंड फायर कैन बी आइडेंटिफाइड बाय इवन अ कलर रेड. नव आप इमेजिन करो, जहां आपको पानी चाहिए, जहां आपको वाटर सोर्स चाहिए, जहां आपको हेल्थ चाहिए, वहां आप अगर फायर इंट्रोड्यूस करोगे तो क्या होगा? यू विल डाउज द फायर. आपका लाइफ फोर्स कम हो जाएगा. देयरफॉर व्हेन यू इंट्रोड्यूस अ रेड कलर, रेड फैमिली कलर इन अ जोन बिटवीन नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, यू आर डाउजिंग द लाइफ फोर्स. अपन अक्सर अपना मंदिर वहां रखते हैं नॉर्थ ईस्ट में, और नॉर्थ ईस्ट के अंदर में एक लाल कलर का बिछाया होगा आपने कि भगवान जी की स्थापना उस पे की है. फॉर गॉड सेक, जितने लोगों ने किया है आज हटा दीजिएगा उसको. वहां पर एक लाल कलर का आसन भी बिछाया होगा. ओके, और कभी कभी तो लोग वहां पर 24 घंटा दिया भी जलाते हैं. टेम्पररी दिया जलाना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अखंड दिया साउथ नॉर्थ ईस्ट में आपने जला के रखा है is detrimental to your health. I am telling you, आज आपकी काफी आस्था है टूट जाने वाली है. I am telling you. तो नॉर्थ ईस्ट इज अ जोन, वहां पर रसोई बिकॉज फायर, रेड कलर बिकॉज इट इज फायर शुड बी रिमूव्ड. वहां पर टॉयलेट 100% नहीं होने चाहिए. वहां पर कोई भी डिस्पोजल एक्टिविटी वाला सामान नहीं होना चाहिए. The moment you remove that, you will do a word of good to yourself. अगर आप वहां पर इंट्रोड्यूस कर सको कोई वॉटर बॉडी जो कि फ्री फ्लोइंग वॉटर बॉडी हो, इट विल डू वेरी वेल. यू कैन कीप योर मेडिसिन देयर, इट विल डू वेरी वेल फॉर योर योर हेल्थ, यू नो. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड नॉट हैव देयर इज प्लांटर्स. वहां पर प्लांट्स मत लगाइए. नॉर्थ ईस्ट में आई हैव सीन पीपल यू नो पुटिंग अप लॉट ऑफ प्लांट्स आउट देयर. कीपिंग अ प्लांट्स आउट देयर इज डिट्रीमेंटल टू योर हेल्थ. यदि आपको हेल्थ कंट्रोल में रखनी है तो ये जो जो चीजें मैंने बताई वो वहां से हटवा दीजिए. आई एम टेलिंग यू देर आर लॉट ऑफ हाउसेज इन विच सपोज वहां मंदिर ही नहीं है, लेकिन अगर वहां पर आपने ड्रॉइंग रूम है एंड यू नो ईच वन ऑफ अस कीप डेकोरेटिव कैंडल्स, जिसको जलाते नहीं है लेकिन वो डिस्प्ले के लिए रखते हैं. नाउ डेकोरेटिव कैंडल्स कैप्ड वर्क्स एज अ फायर एलिमेंट. तो अगर वो भी आपने गलत जगह पे रखी है, इट कैन ब्रिंग अबाउट क्लैश इन एलिमेंट्स. एंड आई एम टेलिंग यू, ये मैं दावे से इसलिए कह सकता हूं कि मेरे पास तो इंस्ट्रूमेंट है. आई डोंट बिलीव बाय विजुअल थिंग. मैं तो वहां पर वो इंस्ट्रूमेंट को लगाता हूँ डिजिटली. आप देख सकते हो कि कितना वो आपको ऑफ बैलेंस क्रिएट कर रहा है. वो मैं हटा के देखता हूँ, यू कैन सी कि बैलेंस इज स्ट्रक और नॉट. सिंपल है. तो मेरे पास तो टुडे आई विल ट्राई वंस अगेन विद द हेल्प ऑफ यू पीपल कि इफ आई कैन यू नो टेक्निकली इसको मैं पीपीटी मेरा खोल सकूं, तो आई वुड लव टू शो यू कि हाउ डिजिटली यू कैन सी कि किसी का स्कैनिंग कैसे होता है एंड हाउ इट कैन थ्रो ओपन द एनर्जी फ्लो चार्ट ऑफ द हाउस, यू नो दैट इज अ स्टार्टिंग पॉइंट. लेकिन मैं मारा उसका निचोड़ बता रहा हूं आपको. सो इवन कीपिंग अ डेकोरेटिव कैंडल्स इज डिट्रीमेंटल टू योर हेल्थ. सो इफ यू वॉन्ट टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ प्लीज रिमूव दिस. एंड ऑफकोर्स आप लोग करते ही हैं, लेकिन नो बेटर प्लेस ऑफ डूइंग 45th श्लोका, ऑफ डूइंग 17th श्लोका फॉर मोर बेटर हेल्थ देन नॉर्थ ईस्ट ऑफ योर हाउस. अगर वहां बैठ के आपने उद्भूत भीषण जलोधर भार भुक्नम सुचाम दशा मुपगता शुत जीवितासा वत्पाद पंकज रजो मृद दिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकरत्वज तुल्य कर दिया आपने, तो आई एम टेलिंग यू, यू आर एडिंग वैल्यू इन योर भक्तामर का भक्ति. ओके, नॉर्थ ईस्ट इज अ जोन
which is doing very well, whether you are doing it for yourself or doing for others, please use the zone, because this zone is responsible for giving you your health immunity. Okay, we can go on and on and on, because health ke liye mera 3 ghante ka lecture chalta hai only on health. Okay, vastu and health. But I have a deadline and I have not even been halfway. Okay, next chahiye hota hai aadmi ko ghar mein happiness. You know, many a times ghar mein happiness nahi hoti. Kyun nahi hoti pata hai? Kyunki dekho, how many of you can become actually put your hand on your heart and tell, yaar main bas ghar pe jata hu to mere ko chinta hoti hai ki jaunga chik chik chalu ho jayegi, ye hoga wo hoga, to let me remain at home. Yaar ghar mein jana hi nahi abhi, let jaunga. You know, jhanjat nahi chahiye mere ko, bahut gandagol ho jata hai ghar mein jaane se. So whenever you feel that kind of a syndrome, remember there is something wrong in your house. So the area which is responsible for happiness in the house, यदि घर में हैप्पीनेस नहीं है, यू हैव बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एवरीथिंग अंडर द सन, बट समहाउ हैप्पीनेस इज मिसिंग इन योर लाइफ, प्लीज लुक फॉर अ जोन विच इज सिचुएटेड बिटवीन ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट. यू नो, ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट के बीच में जब आपका कॉम्प्रोमाइज होगा, रॉन्ग कलर्स होंगे, एलिमेंटल साइकिल डिस्टर्बड होगी, कट्स होंगे, एक्सटेंशन होंगे, या जो भी होगा, तो उस घर में हैप्पीनेस नहीं रहती है. और उस फैमिली में डेफिनेटली एक आदमी का टेम्पर हमेशा गुस्से में ही रहता है, शॉर्ट फ्यूज जिसको मैं बोलता हूं, फॉर नो रीजन, चाहे वो घर का बच्चा हो या वेरी एल्डर हो और सुपर एल्डर हो. यू नो, यू आर नॉट योरसेल्फ, यू नो दैट. वहां का अगर इम्बेलेंस है तो फॉर, अच्छा आपको मन में होता भी कि यू नो दिस वॉज नॉट अ रीजन फॉर यू टू रिएक्ट सो शार्पली, बट वो गोली छूट गई, यू नो आपको पता नहीं चलता. तो प्लीज टेक केयर ऑफ दैट जोन. वैसे वी हैव सम वेज, यू नो, व्हेन वी एंड वी डू नॉट बिलीव इन चेंजिंग द स्ट्रक्चर, व्हाट वी डू इज दैट वी आइडेंटिफाई द डिसऑर्डर्स एंड देन वी प्रिपेयर अ मैचिंग इंजेक्शंस, यू नो, ऑफ द मिसिंग वेवलेंथ एंड वी सिंपली इंजेक्ट इट देयर, थिंग्स हार्मोनाइज एंड यू कैन सी डिजिटली. ओके, बट आज मैं वो दिखा नहीं पाया, आई विल स्टिल ट्राई कि हाउ इट कैन एक्चुअली बी डन, यू नो, बट आज मैं इसलिए ज्यादा अहमियत दे रहा हूँ डायरेक्शन पे. तो दैट जोन इज रिस्पॉन्सिबल. और मैं थोड़ी सी एक फिल्टिंगली बात बोल देता हूं ईस्ट जोन की, कि ईस्ट जोन का रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एनोरमस फॉर दोज पीपल जिनका काम डायरेक्टली गवर्नमेंट एजेंसी से है, जिनका काम टेंडर पे है, जिनका काम जो है जिनका काम जो है डिपेंड्स की उनके आने चाहिए, क्या नाम, काफी गवर्नमेंट अप्रूवल स्टैंप पे आ जाने चाहिए. जब भी वो नहीं होता है तो आप समझ लीजिएगा कि आपका ईस्ट ऑफ योर हाउस इज नॉट इन ऑर्डर. इफ यू डू नॉट गेट योर, इवन इफ यू गेट L1 इन योर टेंडर, लेकिन उसके बावजूद भी आपको टेंडर नहीं मिलता है, ईस्ट ऑफ योर हाउस और वर्क प्लेस इज नॉट इन ऑर्डर. आई हैव सीन फैक्ट्रीज, यू नो, जिनके आई मीन दे हैव डन वेरी वेल, उनका काम ही पूरा टेंडरिंग पे होता है. द मोमेंट देयर ईस्ट गेट्स कॉम्प्रोमाइज्ड, वहां पर एक लेबर कॉलोनी खड़ी कर दी, वहां टॉयलेट बना दिए, and you know things go out of control. So jabhi bhi aapko lage ki somehow your public standing, the way people used to respect you, the way you were being perceived in the market, the way your standing ought to have been, wo jab aapko lage ki thoda sa compromise kahin ho raha ho, go and look for the east. Whenever the east is compromised, you will experience turbulence in these areas of life. But I would like to address a larger point now, a very larger point, that is often not spoken much but is very relevant, aur wo baat hai very close to my heart, is relationship in life. Dekhiye, relationship ka bahut maine rakhta hai, because aapke paas paise bhi hai, health bhi hai, lekin agar relationship achhi nahi hai to aadmi ki zindagi zeher ho jati hai, you know. So relationship is very very important, aur relationship ko main 3-4 hisson mein divide karta hu. I will give just 2 minutes each to each zone, each of the relationship. देखिए relationship की बात करेंगे तो then we will talk about relationship of two types primarily. A, if you are married. B, if you are not married. Then if you are married, you could be, you are happily married, or you are just married, or you are managing your marriage,
because we Indians are very tolerant. Like in many a house that I go to, I see his room and her room. You know, husbands have, and wives have divided because everybody wants their space in life, I'm told. And his room and her room. So, and then there are couples who are almost on the verge of separation, you know. Lekin wo 6 mahine jo judge ne bola hai, they are spending time. Iske baad relationship aati hai, interpersonal relationship. That means relationship with other family members, with your brothers, with sisters, or saas bahu, or siblings. And relationship aati hai workplace mein, with your colleagues, with your bosses, with your people down working for you, and so on and so forth. And relationship aati hai for people who are not able to get married. Wo bhi ek relationship issue hai, let me tell you. Relationship issue for not getting married is divided into three parts again. Ek to unke paas rishte nahi aate. Aise bhi kaafi log hai ki jinke rishte aane band ho gaye. Pehle bahut aate the, lekin abhi band ho gaye. Dusra, aise log category ke log hain jinke yahan rishte to aate hain, lekin wo mature isliye nahi hote kyunki jab bazaar mein unke bare mein jab koi puchne jata hai to bolte yaar inke ghar mein thodi ladki di jati hai, inke ghar mein thodi inka ladka thodi liya jata hai. No. Teesra, रिश्ते आते हैं, एवरीथिंग इज इन ऑर्डर, लेकिन जमता ही नहीं है. बच्चा और बच्ची बोल देते हैं मेरे को नहीं पसंद है, दे हैव देयर ओन सेट्स ऑफ थॉट्स एंड समहाउ थिंग्स डोंट वर्क. तो ये सब काम के लिए द एरिया विच इज रिस्पॉन्सिबल इज, आई वॉन्ट यू टू नो इट, द एरिया विच इज रिस्पॉन्सिबल इज आफ्टर साउथ एंड बिफोर साउथ वेस्ट. Or let us say South West is the zone which is responsible for this. Agar aapke South West ko aap control mein rakh sakte hain, because South West is the zone jahan se growth bhi hoti hai, jahan se relationship bhi tikti hai. South West is a zone which is for all those people who are into career. Ki agar aapko aapka dues nahi milta, that means on a scale of 1 to 10, if you have it in you कि मेरे में क्षमता 7 की है, I am spending my time reaching at only a level 4. शहर के हिसाब से तो ऐसा है कि you are doing so well, but in the heart of your heart you know that कि I could do better because मेरे में तो क्षमता 7 की है. If you have some products which can do very well, लेकिन वो under perform कर रहा है. If you have some ideas which is not clicking, if you have something which is you are unable to mature it into reality, the zone responsible for that is Southwest. तो जब भी आपको लगे कि आप में जो ताकत है वो उभर के नहीं आ पाती, जब भी आपको लगे कि different types of relationships that I have just mentioned is नहीं हो पा रहा हो, तो आप समझ लीजिएगा कि घर क्या Southwest. Southwest का मतलब है मेरे को पूछा जा रहा है कि हिंदी में बोलने के लिए, मैं बोल रहा हूँ चलिए हिंदी में. Southwest का मतलब है नैरुत्य, घर का नैरुत्य. Southwest घर का हो या वर्क प्लेस का हो, वो जब भी कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाता है तो आपकी जो क्षमता है उसके अनुसार आप काम नहीं कर पाएंगे. ये रिलेशनशिप की जितनी भी बातें मैंने बताई उसमें कहीं ना कहीं कैजुअलिटी हो जाएगी. मैं आपको एक रियल टाइम एक आई टेल यू अ रियल स्टोरी. यू नो आई एम टेलिंग यू क्या हुआ कि वन ऑफ माई क्लाइंट्स, यू नो I will do all his factories and all his commercial establishment ka vastu, lekin wo ghar pe nahi le jabe. Aur meri hamesha ye condition hoti hai ki bhaiya agar aapke paas budget hai na do mein se koi bhi ek vastu karane ka, to ab apna ghar pehle karao kyunki usme sare ingredients maujood hai, galat hone ke liye aur theek hone ke liye bhi. Aur budget do ka hai to aap workplace bhi kara lena. But he would always do factory kara lega, dusri factory dalega, jitna bhi commercial hai. मेरे को 100 जगह उन्होंने भेजा भी होगा पूरे विश्व में, लेकिन अपने घर नहीं ले जाएगा. मैंने कहा चक्कर क्या है भैया. एक दिन आई वेंट टू हिज फैक्ट्री एंड देन आई सो हिम, यू नो, मुंह लटकाए हुआ बैठा था. मैंने कहा हुआ क्या. बोले यार क्या बताऊं, मजा नहीं आ रहा है वाइफ के साथ, छोटी छोटी बातों में चिक 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 रोज होती है. मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, चलो घर पे चले. बोले नहीं यार घर पे जाऊंगा वो मानती नहीं है वास्तु में, और वो चिक चिक वैसे ही चल रही है लाइफ, मजा नहीं आएगा. So I said कि देखो भैया ऐसा नहीं होता है, तुम ऐसा बोलो कि मैं मेरे को खाना खाने ले जा रहे हो, वो तुम्हें तो मना नहीं करेगा ना. Let me come to your house and let us see, okay? Then he said कि फिर आप बिल कर दोगे क्या. खाना खाने ले जाऊंगा आप बिल कर दोगे. मैंने कहा बिल पैसे की बात बाद में करते हैं, चल मेरे को खाना खाने ले जा और let us go to your house.
आई वेंट टू हिज हाउस एंड यू नो समथिंग. देखिए बुनियादी तौर पे there are two major differences, you know, the way a female thinks and the way a male thinks. Male ka kaam kya hai pata aapko, wo apni aankhon se kaam karta hai, he always uses his eyes. A female uses her ears, you know, because uska multitasking nature hota hai. उसको अपने बच्चे को भी देखना है, अपनी सास का भी ख्याल करना है, इसका भी करना है, कोई मेड से भी काम लेना है. तो शी इज यूजिंग हर ईयर्स एंड शी इज मल्टीटास्किंग. और मेल जो है इज ओनली बिकॉज इन गुड ओल्ड टाइम, आई एम टेकिंग यू अबाउट लेट्स से 300 400 साल पहले, क्या होता था, अ मैन वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्निंग एंड लाइवलीहुड. वो शिकार पे जाता था तो वो अपनी आंखों से देखता था कि कहां शिकार है. ही वुड यूज हिज शिकार एंड ब्रिंग होम द बूटी एंड घर चलता था. तो बुनियादी तौर पे दोनों का कनेक्शन जो है वो अलग है. तो वास्तु में ये रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट है कि आप यू शुड बी एबल टू क्रिएट अ ब्रिज बिटवीन नोज, आई मीन बिटवीन आईज एंड ईयर्स, यू नो. जब आप वो ब्रिज क्रिएट कर देंगे तो रिलेशनशिप का फासला टूट जाएगा. तो ब्रिज कैसे क्रिएट होता है, देखो आई एम शोइंग यू. सो व्हेन आई वेंट एंड वी सेट एंड वी हैड अ डिनर, और कैजुअली आई वेंट अराउंड द हाउस, यू नो. फिर आई आस्क्ड हिज वाइफ की भाभी जी क्या तकलीफ है, सब ठीक ठाक है. अरे देखो ना, ये आपके दोस्त तो मेरी बात ही नहीं सुनते कभी भी. जब भी फोन करती हूँ तो उठाते नहीं है. उठावे तो बोलते मैं बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ. दो दो तीन तीन बार बात करो तो फोन भी नहीं उठाते. एंड द फेलो को उठाता इसलिए नहीं कि चिक चिक लगती है, कि चलिए अभी कुछ झंझट करेगी, चलता रहेगा. तो ही वॉज इग्नोरिंग. तो मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा ही, इसका तो स्वभाव ही ऐसा है, यू नो. हाँ बोले, आप मेरे से स्वभाव ज्यादा जानोगे, मैं उसकी वाइफ हूँ, वी बीन मैरिड फॉर 20 years, आप क्या जानो, आप तो 5 साल से होंगे. सो ऑन एंड सो फोर्थ. आई वेंट एंड सो व्हाट वाज रॉन्ग इन द हाउस. सो नेक्स्ट डे आई कॉल्ड हिम अप. मैंने कहा भैया देख, तेरे घर में साउथ वेस्ट में ये ग्रीन और ब्राउन कलर का जो बेडशीट वगैरह लगा रखा है और ये पेंटिंग लगा रखी है, उसको हटा. और तुम्हारा घर का जो रग है वो रग का कलर भी बराबर सही नहीं है, जस्ट चेंज द कलर. I am not asking you to do any structural change. Itna kar lo. Aur balcony, I could not go. Lekin I saw the balcony. Maine kaha wahan plant lagaya hoga, to hata dena us plants ko. Bolla usse kya hoga? Maine kaha hoga bhai, usse kuch nahi hoga. Uske baad jaake, you go and tell your wife I love you. Ghar pe jaake. Aisa bolna do baar. Bolle kya baat karte ho yaar? Maine to bola hi nahi. 5, 7, 8, 10 saal ho gaye apni wife ko I love you. To maine kaha ye koi baat hui kya? Jaake bolna tum. You know, एक हफ्ता 10 दिन के बाद आई कॉल्ड हिम अप कि क्या हुआ. बोले मेरे से गले से आवाज निकल नहीं रही है. आई कैनॉट से आई लव यू टू हर. मैंने कहा देख, तेरे यहाँ अभी जरूर कुंडे पड़े होंगे वहां पर पीछे, जा गो एंड चेक. एंड ही कॉल्ड मी अप कि हाँ हाँ वहां पर पड़े हैं. मैंने कहा हटा उसको और गो एंड डू इट. एंड आफ्टर ही रिमूव दैट, अगेन ही कॉल्ड मी अप 1 week लेटर कि थिंग्स बिकेम ऑल राइट. ही सेड दिस टाइम यू नो ही कुड जस्ट ओपनली गो एंड टॉक टू हिज वाइफ, hugged his wife and said I love you. And she was also, kya baat hai, tera mood theek nahi hai aaj, kya ho gaya tumko. And you know, suddenly things, everything melt down and things started happening and life became so much better. So then he said ki boss, ek choti si baat, ek removing of kunda and doing fixing a color can do it. I cannot believe this. Nanka, you are to enjoying the fruits of it. So friends, अगर आपको करियर में कहीं ऐसा लगता है कि आपकी जो क्षमता है वो नहीं उभर के बाहर आ पा रही, आपको लगता है कि घर में रिलेशनशिप का इश्यू है, आपको लगता है कि बच्चे की शादियां समय पे नहीं होती, आपको लगता है कि यू नो यू कैन ऐड मोर स्पाइस इन योर रिलेशनशिप्स, चाहे विथ योर स्पाउस हो या विथ एवरीबडी एल्स इन द फैमिली इन लाइफ, टेक केयर ऑफ साउथ वेस्ट, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जोन्स. And avoid this छोटी छोटी बातें जो मैंने कही वो आप उसको अवॉइड करें, तो उससे आपकी क्षमता में भी, क्षमता के अनुसार आपको सब सारे लाइफ में चीजें मिलेंगी एंड थिंग्स विल बिकम बेटर. एंड पीपल हु आर एक्चुअली लुकिंग टू इम्प्रूव देयर रिलेशनशिप और बॉन्डिंग इन लाइफ, अपार्ट फ्रॉम डूइंग भक्तामर एवरीवेयर एल्स, इस जगह पे बैठ के अगर आप 21वां श्लोक करते हो फैमिली बॉन्डिंग के लिए, और जिनके शादी वादियां नहीं होती उनको जब शादी करनी हो घर में बच्चों की, तो इस जगह पे बैठ के अगर वो 1, 11, 12 करते हैं तो डेफिनेटली इट विल एड वैल्यूज. आई एम नॉट रिसाइटिंग दैट आई कैन रिसाइट, बिकॉज आई वुड लव टू रिसाइट भक्तामर एनी डे, ऑल दी 48 गाथास इफ आई एम अलाउड टू. लेकिन कभी वो खाली भक्तामर की एक बात करेंगे, प्रैक्टिकल अप्रोच तब बात करूंगा मैं आपसे. सो दीज आर दी जोन्स. और फॉर पीपल हु हैव गॉट फैक्ट्रीज, जिनके अपने कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है,
जब भी आपको लगे कि आपके लोग अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, आपके पास क्षमता है, आपके पास ताकत है और आपके पास प्रोडक्ट है, आइडियाज है, लेकिन वो समहाउ मैच्योर नहीं हो पा रहा है, प्लीज लुक इनटू द साउथ वेस्ट. हो सकता है कि यू माइट फाइंड कि देयर इज अ टॉयलेट आउट देयर, यू माइट फाइंड कि वहां कॉम्प्रोमाइज्ड है सारा चीज का, यू नो वहां पर एक पेंट्री बना के रखी है. ऐसा जब भी कुछ होगा तब जरूर झंझट होने वाली है. उपाय क्यू एंड ए सेशन में मैं बता दूंगा आपको, बट दीज आर द थिंग्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल थिंग. अब 12:40 हो गई है. आई वॉन्ट टू टॉक टू यू अबाउट एक्चुअली एनर्जी पार्ट ऑफ द वास्तु एनर्जी डायनामिक्स. फिर अगर समय रहेगा तो आई विल कम टू अदर थिंग्स. कि देखिए, मैंने जब आपको कहा ना कि वास्तु का जो तालमेल है या वो एनर्जी से है, स्ट्रक्चर से है और डायरेक्शन से है. अपने डायरेक्शन पे बहुत ज्यादा टाइम दे दिया. मैं थोड़ी एनर्जी की बात बता दूं आपको. जब अपन एनर्जी की बात करते हैं तब देर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जी दैट वी प्राइमरीली टॉक अबाउट. एक तो है कॉस्मिक यानी कि ब्रह्मांड से आने वाली ऊर्जा, और दूसरी है टेल्यूरिक यानी कि अर्थ की ऊर्जा. जनरली आपने देखा, जैसे मैंने पहले बता दिया कि आप कहीं जगह पे जाते हो तो यू फील वेरी गुड और यू डोंट फील वेरी गुड. इट इज बिकॉज वो अर्थ एनर्जीज वहां बराबर नहीं होती. लेकिन आज एक इंपॉर्टेंट चीज आपसे शेयर करने जा रहा हूं. अर्थ एनर्जीज इज सब डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स. नंबर वन इज अ नॉर्मल गुड अर्थ एनर्जी एंड सेकेंड इज कॉल्ड बैड अर्थ एनर्जी, जिसको हम कहते हैं जियोपैथिक स्ट्रेस. अर्थात जमीन से निकलने वाला एक ऐसी ऊर्जा जो आपको अनसेटल्ड कर दे. आप जियोपैथिक स्ट्रेस जब गूगल में सर्च करेंगे देन यू विल फाइंड कि मोर देन 80% ऑफ पीपल हु डाई ऑफ कैंसर अराउंड द ग्लोब डू नॉट डाई बिकॉज ऑफ टोबेको. दैट मीन्स वो टोबेको इंड्यूस्ड नहीं है. दे डाई बिकॉज दे वर वर्किंग ऑन और स्लीपिंग ऑन जियोपैथिक स्ट्रेस जोन. We have precise instruments जिससे आप measure कर सकते हो कि यहाँ geopathic stress है कि नहीं है. यदि है तो उसकी intensity कितनी है, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है और उसकी extent क्या है. ये जो मैंने आपको बात बताई वो extreme case की बात है. जब intensity कम हो तब आप उस zone पे जब बैठते हो तब आप अपने आप में नहीं रह पाते. उस zone पे जब आप बैठते हो तो वहां पर आपका दिमाग ही नहीं चलता. आप नक्की करके आते हो घर से कि मैं ये काम करूंगा आज यहां बैठ के, लेकिन आप वो काम कर ही नहीं पाते बिकॉज थिंग्स जस्ट डोंट हैपन. आप परफॉर्म नहीं कर पाते उस जगह पे. तो जब भी आपको ऐसा सिंड्रोम लगे देर इज अ रीजन फॉर यू टू बिलीव कि इस जगह पे जियोपैथिक स्ट्रेस है. जियोपैथिक स्ट्रेस जिस फैक्ट्रियों में होता है वहां पर कुछ मशीनें अंडर परफॉर्म करती है फॉर सम अनबिलीवेबल रीजंस. आदमियों का टर्नओवर फास्ट हो जाता है, लोग टिकते नहीं है वहां पर. आप बैठे हो एंड यू नो थिंग्स जस्ट गो ब्लैंक, यू डिसाइड एंड इट डज नॉट हैपन. जब जब भी ऐसा सिंड्रोम लगे तो समझ लेना कि देर इज अ रीजन फॉर यू टू बिलीव कि जियोपैथिक स्ट्रेस जोन वहां है. ये मेरा नंबर है पीछे में आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप मेरे को भेजना अगर किसी को ऐसा सिंड्रोम लगता हो. आई विल सेंड यू माई यूट्यूब लिंक. ओके, कि जियोपैथिक जोन को ठीक करने का सिंपल तरीका मेरी YouTube चैनल पे है. दैट आई विल सेंड यू. जब खत्म हो जाए वह शो तब आप अपना नाम और शहर का नाम लिख के भेज सकते हो. आई विल सेंड यू इन्फॉर्मेशन. ओके, इट इज फ्री, देयर इज नथिंग, इट इज अवेलेबल. बट आई एम टेलिंग यू इंपॉर्टेंट थिंग इज जियोपैथिक स्ट्रेस जोन. वो जियोपैथिक स्ट्रेस जोन, देखिए एनर्जी मूवमेंट के दो तरीके हैं, एक वर्टिकल मूवमेंट और दूसरी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट. मोस्ट ऑफ दी वास्तु जो है वो हॉरिजॉन्टल इन नेचर है, जियोपैथिक इज वर्टिकल इन नेचर. वो 500 मीटर तक चलता है. इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके एक 50 माले की बिल्डिंग है उसमें यदि नीचे सेकंड बेसमेंट में 100 स्क्वायर फीट ठीक नहीं है तो वो पूरा 100 स्क्वायर फीट ठीक अप टू 50 माले तक 100 स्क्वायर फीट ठीक नहीं होगा. एंड इफ यू रेक्टिफाई दी बॉटम वाला एवरीथिंग गेट्स रेक्टिफाइड ऑन इट्स ओन. ओके, सो इट इज सिंपल, वंडरफुल, एक्सेलेंट, डूएबल, नथिंग टू वरी. बट हाउ डू यू नो, आपके पास तो इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है. तो मैं आपको छोटे 4-5 चीज बताता हूं कि हाउ यू कैन नो कि घर में जियोपैथिक स्ट्रेस जोन है कि नहीं. जनरली मैं आपको फिजिकल सिम्टम्स बता रहा हूं. जिस जगह पे जियोपैथिक स्ट्रेस होता है वहां पर बिल्लियां अक्सर ज्यादा आती रहती है. आई टेल कैट्स की फ्रीक्वेंटली मोर ऑफ्टन. जहां पर बिल्लियां बार बार आवे, ज्यादा आवे,
तो समझ लीजिएगा कि देर इज अ रीजन फॉर यू टू बिलीव कि वहां पर शायद जियोपैथिक स्ट्रेस जोन हो सकता है. सेकेंडली, वेर एवर यू फाइंड एंट्स, चीटिया, फाइल्स ऑफ एंट्स, यू नो, बिकॉज एंट्स जनरली लाइक टू ट्रेवल ऑन नेगेटिव लाइन्स. जहां पर बार बार एंट्स आती हो वहां देर इज अ रीजन फॉर यू टू बिलीव कि शायद वहां पर जियोपैथिक स्ट्रेस जोन हो सकता है. या आपको कभी किस कमरे में जाइए आप, अनड्यूली कोल्ड लगे, यानी कि वहां भेज का प्रमाण ज्यादा लगे, वेन यू वॉक देर यू फील कि आपके तलवे में थोड़ा सा वॉटरिश लग रहा है और यू फील लिटिल कोल्डिश, बाकी कोई कमरों में ऐसा नहीं लग रहा, इस रूम में यू नो यू फील जनरली स्पीकिंग ये रूम ज्यादा ठंडा ही रहता है, ऐसे सबके घर में कभी ना कभी यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड इट, यू नो. अगर ऐसा होता है तो देर इज अ रीजन फॉर यू टू बिलीव कि शायद वहां पर जियोपैथिक स्ट्रेस जोन हो सकता है. जब भी जियोपैथिक स्ट्रेस जोन होता है वहां पर बैठने का मन नहीं होता, टर्न अराउंड फास्टर होता है. जियोपैथिक स्ट्रेस वाली जोन की जगह पे आपकी बुद्धि, यू नो, इट स्टॉप, क्रिएटिविटी आपकी स्टॉप हो जाती है. जब भी आपको लगे कि मेरी क्रिएटिविटी यहां पर क्यों नहीं हो रही, तो यू विल फाइंड कि वो शायद जगह जियोपैथिक स्ट्रेस जोन है. एंड आई एम टेलिंग यू, जो लोग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को पहचानते हैं पुराना या देखते हैं, आई हैव जस्ट सेड कि वो वर्टिकली चलता है. अगर एक 10 माले का बिल्डिंग है, 20 माले की बिल्डिंग है, आपने देखा कि फोर्थ स्टोरी पे कोई यू नो इज अनवेल और somebody is having a cancer or somebody is having a deep financial, I mean health issues, आप देखना उसी विंग पे 6th फ्लोर पे भी कुछ होगा, 8th फ्लोर पे भी होगा, 12th फ्लोर पे भी होगा, बिकॉज ये वर्टिकली ट्रेवल करता है. तो जियोपैथिक स्ट्रेस जोन इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वास्तु एनर्जी करेक्शंस. Fortunately, there are meters which can actually tell you वो है कि नहीं है. दूसरा geopathic stress zone का physical symptoms में बताऊं आपको. अगर geopathic stress वाले zone पे आदमियों को, जब आप सोते हो ना, तो you don't get sound sleep. आप उठते हो भले ही, although you have slept for 8 hours, but if you feel you know कि मजा नहीं आया. Conversely, when you travel out somewhere and you fall like a you sleep like a baby, you feel very fresh. There is a reason for you to believe. कि जहां पर मैं रह रहा हूं वहां पर देयर इज सम इश्यू. जब जियोपैथिक स्ट्रेस वाले जोन पे लोगों के फ्यूज शॉर्ट होते हैं बिकॉज दे आर नॉट देमसेल्व्स, तो वो हर चीज में उनका एक्सपेक्टेशन लेवल बढ़ जाता है, हताशा जैसी हो जाती है, एंड दे कीप फाइटिंग, यू नो. तो जब भी लगे कि फॉर नो रीजन बार बार फाइटिंग हो रही है घर पे, देयर इज अ रीजन फॉर यू टू बिलीव. और आप सबको घर में पता होता है कि यू नो ये एक जगह ऐसी है कि वहां बैठ के अगर बात करी तो वो झंझट ही होने वाला है, बिकॉज अनोइंगली यू हैव मार्क्ड आउट द जियोपैथिक स्ट्रेस जोन. सो एनर्जी की बात, आई विल प्रोबेबली समडे वी विल हैव अ टॉक ऑन एनर्जी मैटर व्हेन आई कैन प्रोबेबली शो यू माय रियल प्रेजेंटेशन. बट आई एम टेलिंग यू, व्हेन यू टॉक अबाउट वास्तु एनर्जी डायनामिक्स, यू लुक इनटू द एनर्जी डायनामिक्स, देन यू लुक इनटू द डायरेक्शनल डायनामिक्स, देन यू लुक इनटू द स्ट्रक्चर, द शेप, द साइज, द कलर्स. Because you can, if five element ki baat hai, five elements can be identified by many things, including metal, including color, including shape, size, forms, okay? And the energy. Jab aap ye sab ka sangam karenge, to us jagah pe abhavo ka abhav nahi reh sakta. You will be very happy, things will happen for you, and you would enjoy your life. Because at the end of the day, apna sab ka maksad kya hona chahiye? कि घर में शांति होनी चाहिए, सुख मिलना चाहिए, स्वस्थता मिलनी चाहिए, आनंद रहना चाहिए, और ग्रोथ पाथ अच्छा होना चाहिए, बच्चे बराबर चलने चाहिए और उनकी पढ़ाई बराबर रहनी चाहिए, एंड यू शुड गेट हैप्पीनेस फ्रॉम योर चिल्ड्रन. आई थिंक दैट इज अ गोल ऑफ एवरीबॉडी. अगर ये सारा गोल आपका है, जो कि सबका होता है, आई हैव मेट मोर देन, एज आई सेड, 10,000 क्लाइंट्स इन मोर देन 51 कंट्रीज. दिस इज द कॉमन गोल पीपल हैव. And I talk about 64 energy zones. मैंने तो बात आपसे सिर्फ 15 जोन की भी शायद नहीं करी है. तो because ये जब मैं सिखाता हूँ, then I speak, I used to have 7 module workshop, each module of 4 days. On last 3 module जो है वो 9-9 days का होता था, और सुबह 9 से शाम को 7 बजे तक बोलता था. तो you can imagine कि what is the depth of this science, you know. और मैं 2 घंटे में आपको, I can only tell you limited way. But I have told you very, 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 very specific ways of doing it. So,
अब नाउ आप जो है ना, आपके पास ये इंफॉर्मेशन आ गई, नाउ यू ऑल्सो हैव इंफॉर्मेशन ऑफ भक्तामर, यू ऑल्सो हैव इंफॉर्मेशन ऑफ कर्मा। और मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जो कर्मा की बात है ना, जिसमें मैं अपने उन्होंने बात करी कि वो हेवनली लक है, जो स्टेटिक नहीं है, डायनामिक है। लेट मी टेल यू, लेट मी शेयर वन मोर सीक्रेट, ओके, ताकि अपन सारे को एक इंटीग्रेट कर देंगे 5 मिनट में, बिकॉज वरना मैंने इतनी इतनी सारी बातें बताई, अब कंफ्यूज हो जाओगे कि कहां से शुरुआत करें। देखिए, आई स्ट्रांगली बिलीव, एंड वी हैव ट्रेंड हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स इन माय लाइफ, वी स्ट्रांगली बिलीव कि ईच ऑफ द प्लैनेट जो अपने लाइफ में होते हैं, उसका जैसे अपने 24 तीर्थंकरों में भी उनका एक तीर्थंकर, वन ऑफ द तीर्थंकरस असाइन टू वन ऑफ द प्लैनेट्स, 9 प्लैनेट्स की पूजा अपने में भी होती है। ईच डायरेक्शन, ईच प्लैनेट हैज वन डायरेक्शन एंड अ जोन इन योर हाउस। अगर कोई बोलता है कि आपका शनि ठीक नहीं है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, शनि की बात इसलिए बोल रहा हूं कि पीपल कैन रिलेट टू शनि, हम आए दिन शनि की बात ही सुनते रहते हैं। यदि कोई बोले कि आपकी शनि की दशा ठीक नहीं है, इसका मतलब है कि देर इज अ जोन कॉरेस्पॉन्डिंग टू शनि इन योर हाउस एंड वर्क प्लेस, वो अंडर परफॉर्म कर रहा है। द मोमेंट आप उसको बैलेंस करोगे, द मोमेंट यू एक्टिवेट इट इफ इट इज गुड, और डीएक्टिवेट इट इफ इट इज बैड, जो तकलीफ आपको कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट प्लेनेट आ रही है वो नहीं आएगी। यू नो समथिंग, वी प्रिपेयर समथिंग कॉल्ड कॉस्मिक करेक्शन ड्रॉइंग, दैट मींस आई लुक इनटू योर बर्थ चार्ट्स। आई विल नेवर टेल यू कि आपको ये अंगूठी पहननी है, आई विल नेवर टेल यू कि आपको ये ग्रह की पूजा करनी है, आई विल ओनली टेल यू कि भैया आपको आपके घर के इस जोन में ये चीज मेक श्योर की नहीं होना चाहिए, और ये मेक श्योर की ये चीज होनी चाहिए, यू नो। तो ये जो हेवनली लक की बात है, जो प्लेनेट आधारित है, उसका भी मूल तो अल्टीमेटली आपकी एनर्जी डायनामिक्स में है। जोन अंडर परफॉर्मिंग और ओवर परफॉर्मिंग। मान लीजिए जो लोग, आप लोगों में से जो एस्ट्रोलॉजी जानते होंगे, बिकॉज सेकेंड हाउस 10th house 11th house गिव्स मनी, मान लीजिए उसका जो रूलिंग प्लेनेट है वो आपकी करंट महादशा में या अंतरदशा में नहीं है, तो क्या पैसा नहीं आएगा? नो, you have to invoke it, you have to bring it into your system. तो उस planet को यदि आप अपने system में लेके आएंगे और उसको activate कर देंगे, because उस planet की भी एक दिशा है, उसको यदि आपने activate कर दिया by keeping a small object of that particular planet, you will do wonders in your life. अभावों का अभाव हो जाएगा, तो बिल्कुल चिंता की बात नहीं होती. If you have to know your planetary positions, तो उससे ultimately आपके वो घर से ही जुड़ा हुआ है, घर से जुड़ा हुआ है मतलब एनर्जी से जुड़ा हुआ है, उस जोन की एनर्जी से जुड़ा हुआ है। तो द प्लैनेट, जैसे मैंने बताया कि सन का एनर्जी जुड़ा हुआ है वेस्ट से, अगर आप ईस्ट से कोई पूछेंगे तो सूर्य की एनर्जी जुड़ी हुई है ईस्ट से, द प्लैनेट सन इज एसोसिएटेड विद ईस्ट। जिनका सन तकलीफ में है तो इसका मतलब है कि उनका ईस्ट कॉम्प्रोमाइज है, जिनका सन कॉम्प्रोमाइज होता है उनको रिकॉग्निशन नहीं मिलता लाइफ में। पॉलिटिशियन को इट इज इम्पोर्टेंट कि उनका सन रिकॉग्नाइज नहीं, मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, और यदि है तो उसको एक्टिवेट करना पड़े। अगर कोई कोई भी प्लेनेट 8th house से जुड़ा हुआ है तो उसको डीएक्टिवेट करना पड़े, अगर आपकी फैक्ट्री ना हो तो। दिस इज कॉम्प्लेक्स, आई मीन आई कैनॉट टॉक टू यू अबाउट एस्ट्रोलॉजी राइट नाउ, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि वो भी एक एनर्जी का, इट इज पार्ट ऑफ द एनर्जी, डोंट कंसिडर इट एज एक मॉडल बना दिया हो कि हाँ इसकी पूजा करानी पड़ेगी, इसकी अंगूठी पहननी पड़ेगी। नो, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। अल्टीमेटली इट इज ऑल लिंक्ड टू द एनर्जी ऑफ अ प्लेस। तो जब द मोर यू आर इन्फॉर्म्ड अबाउट द एनर्जी ऑफ अ प्लेस फ्रॉम योर प्लेनेट परस्पेक्टिव, फ्रॉम योर अर्थ एनर्जी परस्पेक्टिव, फ्रॉम योर स्ट्रक्चर परस्पेक्टिव, फ्रॉम द कलर परस्पेक्टिव, आपके पास 360 डिग्री का सोल्यूशन होगा। और टूगेदर विद दैट You have the power of Bhaktamar with you, which is an ultimate tool. तो ये जब आप एक दूसरे को integrate करेंगे तो आपके पास एक wholesome, total, holistic solution आ जाएगा और कोई खाना खाली नहीं छूटेगा। And when you are able to do that, I can tell you, you will feel on top of the world. And I am using the word, you will feel on top of the world, you know. तो with this, friends, I will like to, अगर कुछ चीज रह गई हो तो आप मेरे को पूछ सकते हैं for a Q&A session. But I think it's been 2 hours I've been telling you guys. And thank you very much for patiently listening to me. Because 2 ghanta sunna, wo bhi bahut badi baat hoti hai.
Amrish ji, thank you so much, and I request Rajlakshmi ji from Nepal to formally thank Amrish ji. So kindly unmute her, and then we have Usha ji from Zimbabwe. She has some question. So, and I would like you to see a presentation of Rinka, who is doing PhD on art and therapy, and she has made beautiful yantras. So people will see her presentation, and Amrish ji, you can comment and guide her. Amrish ji would be our takes Bhaktambar plus yantra or vasu or energy. Jai Jinendra, Amrish bhaiya. Yeah, Jai Jinendra ji, kaise hain? Bilkul theek. I think this was the most enlightening talk on vastu in my 60 years of life. क्योंकि वास्तु के लिए जहां जाते हैं कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है इन द एंड यू लैंड अप विदाउट रियलाइजिंग व्हाट यू आर डूइंग यू आर ईदर ब्रेकिंग हियर ब्रेकिंग देयर और यू आर डूइंग समथिंग व्हिच इज नेवर एवर वर्कड आउट राइट जैसे सिंपल एग्जांपल व्हेन माय हस्बैंड डाइड आफ्टर ही डाइड द पंडित टोल्ड मी आपकी कुंडली में वैदेव योग है If they had the power, they should have told me that before. Yes, yes, yes. है ना? Yes, तो I really now I had stopped believing. वास्तु बनाते बनाते मेरे घर बनने में it took us 12 years. Oh, mama, you should have met me before. Kind of, yeah. So I really thank you very much for this enlightening session, and I'm sure most of us are very, very happy with this. Would love to have more from you. With the permission of Manju Didi, and nice of you to have taken so much of your time and come here to give us this lecture. Thank you so much, sir. My pleasure. You to guide Rajlakshmi ji. She is also pursuing her PhD. Right. Sure. Of course. Yes, sir. Yes. Yeah. Namaskar, Jai Jinendra. मंजू जी आपको भी रोज आपका 4 सितंबर से मैं सब सुन रही हूँ और आज मेहता जी का बहुत अच्छा सेशन रहा बहुत यूजफुल आपकी सब चीजों के आपने हर दिशा के लिए जो किया बहुत अच्छा बताया है और बहुत अच्छा लगा मेरा क्वेश्चन तो कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है बस वही है आपने जो दिशा के बारे में कुछ कुछ मेरे को किसी में मिस हो गया था तो मैं शायद आपको उसके व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करके पूछ लूंगी क्योंकि अभी और दूसरे काफी लोग हैं क्वेश्चन करने के लिए तो मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी पर बहुत अच्छा इन्फॉर्मेट बहुत अच्छा सेशन रहा और मंजू जी जो काम कर रही है वो भी बहुत ही सराहनीय है अभी तो मैं एवरी डे यूज कर रही हूँ आपका ये सेशन रोज ज्वाइन कर रही हूँ बहुत अच्छा लग रहा है मंजू जी आपका कार्य तो बहुत सराहनीय है जितनी तारीफ करे उतनी भी कम है मतलब आपके लिए तो आप तो सच में जगत की माँ बन गई है आई विश कि वी हैड मोर मंजू जीज विद अस यू नो She can't yes. become multi-dimensional. Otherwise, I would have loved to have more, maybe 100 Manjujis, 200 Manjujis. I would like to have 100 Amrish ji out of these 300 people. और आपने जब से मैं देखना चालू किया मैं भक्तामर के श्लोक भी करना चालू किया है पहले मुझे खाली मैंने 13वां श्लोक करती थी बहुत पहले पर अभी मैंने 45वां श्लोक एवरी डे करना चालू कर दिया बहुत अच्छा लग रहा है मुझे बहुत ही अच्छा थैंक यू वेरी मच एक्सपीरियंस बट रीना शाह डूइंग दिस पीएचडी शी डिड फॉर पीएचडी श्लोका एंड शी हैज सम इश्यूज इन द फार्मेसी में एंड मैंने गाइड किया और अपर्णा ने भी जो सेट बोलती थी विद इन 21 डेज This certain amount came into my account. And one more person from Calgary. We did for 5 months, every morning they used to do this number for the time. And they said, what amount we had imagined is 5 times more exactly that amount I lay off for by doing this number. So like these are the distinct. And now I will request Gaurav to take one by one question answer session with Amrish Bhai. So, you will use
We have Vijay Shah ji with us, so you can unmute him also. He has been with us for a long time. He has made gadgets in my voice. Reena Shah ji, can you unmute Reena Shah ji so that Reena Shah ji? Reena Shah ji ho nahi pa rahe unmute. Hello? Reena, yeah, I would like you to share screen and brief all PhD students on art as a therapy. Reena Shah. So well, so fast, so quickly and full, day and night. Even in the group should follow how she's making questionnaire and how she's coming up with beautiful decisions. Reena Shah, can you share screen? आपको स्क्रीन शेयर हो गया रीना जी की आवाज आई है हेलो हेलो हाँ शेयर स्क्रीन के लिए आप गौरव उनको को होस्ट बना दिया ना आपने बना दिया दीदी शेयर स्क्रीन कर लीजिएगा एंड जस्ट थिंक अबाउट आर्ट एज अ थेरेपी एंड ऑल पीएचडी स्टूडेंट्स फॉलो Yeah, I'm there. Give your views on her presentation. She is a PhD candidate and working very hard. She is from Los Angeles and itna donation bhi dete hai LA ke temple mein every year she gives and she has got award also. So just see the work she has done in. Yes, yes, certainly. And she has worked on 48 shloka also. Yeah. Uh-huh. Reena ji, you can start speaking. Let's show your wall first to Amritji. Amritji. Mera awaaz nahi aa raha hai kya? Aa raha hai. Fit, theek hai. Inka wall dekh lijiye, jo inhone yantra banaye 2 mahine mein. Haan ji, main dekhta hoon. Banaye aur abhi to geometric bhi pura bana liya hai computer pe and she is pursuing her research work very, very scientific. ये जो है वो शेयर करना पड़ेगा वो जो स्क्रीन है आपको दिखाई देता है कंप्यूटर में है हाँ ऐसे भी दिखाएंगे तो भी दिख रहा है आप बोलते रहिए अमित जी इज दिस कंफर्टेबल यस रीना जी आप लैपटॉप से लॉगिन कर सकते हैं क्या ओके जूम सेशन में They show like this. It's more time waste. Okay. आपको आपके पास नहीं है मीटिंग आईडी? हाँ है. उसको आ गया कोविड चैट बॉक्स में डाला है दुकान वाले को निलेश को कोविड आया देवर है ना मेरा घबराने की बात नहीं है अमरीश सर जी नैन्सी जी पूछ रहे हैं कि गुड न्यूज के लिए आपने कुछ नहीं बताया है चैट बॉक्स में लिखा है कि कोई अगर गुड न्यूज के लिए कुछ आप बता देते जैसे भक्तांबर में 9 नंबर श्लोक है 20 और 22 भक्तामर में 9 20 और 22 9 20 एंड 22 सो सी बेसिकली फैमिली एक्सपेंशन इज ऑल डिपेंडेंट ऑन साउथ वेस्ट से लेके वेस्ट के बीच में वहां पर जब भी आपके बाहर घर के बाहर अगर कोई बड़ा ट्री होगा इफ यू कैन सी दैट ट्री फ्रॉम योर लेट्स से विंडो आई थिंक यू शुड ट्राई एंड हैव अ थिकर कर्टेन्स आउट देयर नंबर 1 नंबर 2 Actually, I gave, before the lockdown, I was invited by Gynecologist Society
of one area where I was speaking about the importance of vastu energy dynamics for children. क्योंकि जब अगर आप मेडिकली फिट हो यू नो तो उसके बावजूद भी क्यों नहीं होता है. एंड दे सेड कि इट इज अ मेडिकल मिस्ट्री और यू नो ऑल दोस काइंड ऑफ फ्रेजेस व्हिच वर यूज्ड. बट आई स्ट्रांगली बिलीव कि अगर इफ यू आर मेडिकली फिट घर की एनर्जी हैज अ ह्यूज रोल टू प्ले एंड मोर सो व्हेन इफ यू हैव लार्ज ट्रीज आउटसाइड. If you have plants in between south west से लेकर west के बीच में यदि plants रखे होंगे और उसके pots भी red color के होंगे, it is detrimental to the things that you are looking for. Third, most important thing, जो आपकी axis है north east south west axis, उस axis पे अगर toilet या kitchen आ गया तो it will reduce your chances, you know. अगर वहां है और आपका घर है आप change नहीं कर सकते तो उसको बैलेंस करना पड़ता है. यू हैव टू फाइंड आउट देयर आर इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच विल टेल यू हाउ मच यू आर ऑफ बैलेंस एंड देन यू कैन एक्चुअली स्ट्राइक अ बैलेंस. तो वास्तु प्लेस हैज अ वेरी यूनिक रोल टू प्ले इन दिस. आई एम टेलिंग यू, यू आर राइट. आई डिड नॉट, आई कुड नॉट, इनफैक्ट आई हैव नॉट बीन एबल टू स्पीक ऑन मेनी थिंग्स, यू नो, कि देयर आर सो मेनी अदर ज़ोन्स लेफ्ट आउट. कि जिंदगी में सपोर्ट क्यों नहीं मिलता आदमी को, यू नो, नो मैटर हाउ हार्ड ही ट्राइज, व्हाई ही डज नॉट गेट सपोर्ट फ्रॉम हिज बायर, सेलर, सप्लायर, वाइफ, फॉरेन, बच्चे क्यों नहीं मिलता, उसका भी तो कारण है. बच्चों का तो बहुत इंपॉर्टेंट कारण है ये कि द एरिया विच इज रिस्पॉन्सिबल इज दिस एक्सिस, एंटायर एक्सिस, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट एक्सिस. यदि आप नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट एक्सिस को टेक केयर कर लेते हो, मेक श्योर कि बाहर में यदि बड़े प्लांट्स है तो थिक कर्टेंस लगा दो आपके बेड के पीछे. मेक श्योर योर हेड आर नेवर पॉइंटेड टूवर्ड्स नॉर्थ. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आई एम टेलिंग यू, जब आप यू टेक केयर ऑफ साउथ वेस्ट, लेकिन डू नॉट स्लीप इन अ जोन which is after south and before southwest. Remember, a zone after south and before southwest is a dead zone. If you are sleeping there, things generally do not happen. Is zone mein aapne paisa bhi rakha hoga to wo chala jana hai. Us zone mein agar aapne bachcho ki tasveer laga di, newborn babies ki, to wahan babies nahi honge. Is zone mein मैंने यहां तक देखा हुआ है कि अगर आपने लक्ष्मी जी की फोटो लगा दी हो, मतलब वो कैलेंडर वाला, तो द पर्सन एक्सपीरियंस फाइनेंशियल डिस्ट्रेस फॉर दैट मंथ, यू नो. तो दिस जोन में अगर आपने बच्चों की तस्वीर लगा दी, बच्चे आपकी बात नहीं सुनेंगे. तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू डू नॉट यूज दिस जोन विच इज जस्ट फ्रॉम साउथ एंड बिफोर साउथ वेस्ट आफ्टर साउथ. ओके, दिस इज वॉट आई कॉल डिस्पोजल जोन, the zone of ultimate in disaster. तो वहां अगर आप health report रखोगे तो health का भी issue हो जाएगा. और अक्सर मैंने देखा है the because conventional वास्तु में तो यही zone को अच्छा मानते हैं, south west is considered very good. So when couple are sleeping there, things take it little difficult. So the moment they relocate themselves slightly, things happen. Okay, small tips. I think she's back now, so she can talk about it. जी रीना शाह, ओवर टू रीना एंड देन प्रार्थना हु इज डूइंग पीएचडी. फर्स्ट रीना, देन अमरीश जी विल गिव हिज फीडबैक ऑन हर रिसर्च वर्क एंड देन प्रार्थना. तो से आपका रिक्वेस्ट है एक पर्सनल के पर्सनल इश्यूज ना डिस्कस करें. दिस इज फोरम ऑल द पीएचडी स्टूडेंट्स. They put up question regarding the PhD and how they can take the summer, vastu, energy, and how they can take help from Amrishi and your research in more scientific manner and how we can help you as guide to all that. Okay, Reena ji, over to you. आपको जय जिनेंद्र everyone, आप सबको दिखाई देता है? Is this is the PowerPoint? Can everyone see it? I can see you. Okay, so able to see your laptop very nicely, and we could understand that presentation. If you have problem in logging in Zoom meeting, you can show laptop, isn't it, Amrish ji? You can see that laptop. Everyone can see that. Yeah, laptop. Yeah. Everybody could see that. That's correct. You are right. Because we cannot waste time. 1:30. I also need that.
but Amar Vidhan. So later on, continue with the questions and we'll be there, Gaurav will be there. But let me just take a few PhD students who will give their presentation. स्क्रीन शेयर का ऑप्शन होगा रीना जी? रीना जी आप लैपटॉप ही ऐसे फिक्स कर दो, लैपटॉप पे दिखाइए ना और अपने वॉल पे। ओके ठीक है, राइट। रीना जी म्यूट हो गए। अनम्यूट योरसेल्फ, यू आर को-होस्ट। सॉरी आई एम सॉरी 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 जस्ट जस्ट प्लेस इट इन राइट। या ओके तो ये दिस इज जस्ट एज आर्ट इज अ थेरेपी प्रेजेंटेशन। अभी तो ये 4-5 महीनों में मैंने ये 48 यंत्र And everybody तो इस, इसके लिए ब्लैंक पेपर, सीजर, रूलर, पेंसिल, इरेजर और सब ज्योमेट्रिक शेप्स लाइक सर्कल्स, ट्रायंगल, स्क्वायर और रेक्टेंगल। तो हम ये भक्तांबर के लिए तो सब सबको पता है कि ये आदिनाथ भगवान का स्तोत्र है, तो ये उससे ही पता चल जाता है कि अगर हम भगवान को स्तुति भी करते हैं तो हमारे पास वो पुण्य कर्म का उदय हो जाता है और सब कुछ जो पहले के जो पाप कर्म है वो उसका जो जो वाइब्रेशन है ओरा में जो इफेक्ट है वो सब हम भूल कर अगर हम यंत्र में हमारा मन और जो दिमाग और हमारा शरीर अगर हमें लगा देते हैं तो इसके इससे इससे हमारे जो ये लिखने से ही हमारे जो मेरिडियन पॉइंट्स और चक्रस है ये सब उसमें चेंज आने लगता है क्योंकि इसमें श्लोका मंत्र रिद्धि और डिफरेंट ज्योमेट्रिक जो शेप्स होते हैं उससे मैंने काफी सारी आर्टिकल जिसमें लिखा है कि ड्राइंग से हमारे वेगस नर्व जो पैरासिंपैथेटिक नर्व सिस्टम पर जो इफेक्ट डालती है उस पे फिर हमारे दिमाग में जो डेल्टा वेव्स होता है जिससे हमारे वो जो 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 वेव्स से वो हम स्लीप में चले जाते हैं अच्छी तरह के स्लीप में ये सब सभी पर हमारे जो ड्राइंग से उससे इफेक्ट होता है। और कुछ सारे आर्टिकल में मैंने देखा है कि रिसर्च वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में और वहां पर रिसर्च किया हुआ है कि अगर हम वैसे ही अगर हम पढ़ते हैं और तो उसके कंपैरिजन में अगर हमें विजुअल टूल मिल जाए कि कुछ ड्राइंग मिल जाए तो उससे वो हमारी मेमोरी फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और हमारे मार्क्स अच्छे आते हैं। क्योंकि
अगर हम विजुअल अगर कोई है हमारे पास मेडिटेशन टूल तो वो हमें उसके लिए ज्यादा उसे फर्क पड़ता है और लाइक हमारे दिमाग में जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स लाइक मेलाटोनिन सेरोटोनिन और डोपामिन ये अगर यंत्र हम बनाते हैं तो उससे वो हमें एक प्रकार की अच्छी फीलिंग आने लगती है, हमें इनर पीस होती है क्योंकि हमारे जो स्ट्रेस और जो दिमाग में जो पहले से जो भरा हुआ होता है पहले से वो सब हम भूल कर हम यंत्र बनाने में हमारा दिमाग लगा देते हैं तो इससे हमें वो एक एक प्रकार की जो जो फीलिंग आती है दैट्स लाइक अ डिफरेंट फीलिंग एंड इट जस्ट लाइक दिस आर like some of the these are just some of the like a design we can make it using sand the rice flowers and it's these are the some of the yantras that I made bas abhi bas thoda sa hi hai lekin isme hum like different geometric shape ka wo upyog karte hai aur fir इससे लाइक कुछ जगह हम देखते हैं कि वो गोल्ड सिल्वर और कॉपर का भी होता है तो ये जो जो यंत्र है इस इज लाइक इज गोना इज लाइक अ वे टू मेक अवर लाइफ मोर एफिशिएंट इट्स लाइक अ टूल इट्स अ मशीन लाइक अगर हम वैसे ही रट्टा कर दे कि भाई ये श्लोक है मंत्र है ये तो हमारा कभी दिमाग में पहले से जो थॉट होते हैं तो इससे हमारा कहीं दिमाग में मन नहीं लगता लेकिन अगर हमारे पास कोई विजुअल टूल हो और हमें उसे जैसे रीना जी वो आप क्वेश्चनेयर भी बार चार्ट पाई चार्ट बनाया है वो भी एक बार दिखाते थे तो she has made Amrishji on her wall you will see all 48 yantras made and wow, very good and she has done analysis on the kids who were doing Bhaktambar North America so all oh. those kids were given that questionnaire okay. and in fact had those 32 lesson on their studies on their sports skills and many things so for that she has made very good pie chart and questionnaire okay survey form and you will be able to guide her more I was just saying that like Dr. Sara she has taken wealth mantra yantra and health mantra and IQ three yantras in her book you know positive thinking creative visualization focus on this and she made a blank check you know and that was like check written to God and this amount of money which she wanted by chanting 48 number shloka and she was very well with that so see this is the pie chart which you can explain this to all Reena ji explain about this okay question. so I made some questions like when they started the Bhaktamar class after they started the class and they started learning the different shlokas mantra and ruddhi in the class they started drawing pictures how it effect how did like wo usse un logo par kaise effect hua how did it affect them so then I asked them the anonymous survey like how when the sessions progress how they pronounce the word phrases and sentence clearly so I got like 60% of them they said always 27.5% said often so and then this is this bar it says sometime so no one said never and this is over 60% for always that's the last one and then able to speak the word phrases and sentence more confidently they like they got more confident to say the words so 65% said always 27.5% said often after the sessions were progress like they were able to narrate the animation like the pronunciation activities when they were asked in the class how to pronounce how to recite and if they have any doubt if they clarified the thing then in that one 47.5% said often 27.5% said always and sometime was only 15% and like here no one said never
when the session progressed, they were able to use appropriate, like in Sanskrit, it's like a, it's called the language of our literature. It's the language that were used in the past. And it's sometimes the kids who were born in US, it's hard to pronounce. But as the session were progressed, they were able to use the appropriate stress pattern. Like that's how the Bhaktamba Sloka works. When you say it in Sanskrit, there are like in when it the tongue touches your the top of the mouth, then you pronounce it. But when the after they started learning the Bhaktamba, they most of them were able to use the stress pattern, the rhythm. Like I know many poets, they have written in different languages. They have sung the Bhaktamba in different rag. They have made different vidhividans. It's just a one way to praise the God. So this is like one way. I'm the yantra is also one way of praising the Lord Adinath. Like many people are trying to do the praise Lord Adinath in one way or another. So this is also one of the form to please the God. Then they were able to do the time management. 47.5% were always ready for to attend the sessions on time. They were narrating, meaning interpretation, and while they were in the class and making the notes. So 42.5% said always. Then the homework, they were completing regularly. They were trying the different way, like reciting, writing, drawing pictures. Sanskrit is a different, like it's a difficult language. So like when they had a difficult word to pronounce, they were putting more effort. So it was 60% were always. Then they had a specific place to study. They were getting along with each other. So all of them, the last one is all like mainly is above 50%, but that's the last one. And also the comments, like many people found it, like when they had classes in Bhaktamba, like after having in US. Gaurav ji, screen change ho gaya. After being born in US and not knowing Sanskrit, they were really appreciative that they got to learn the Bhaktamba Shloka. That's the great, it's like one of the most famous and popular shloka in, not in Jain now. Like right now, I heard that our Prime Minister Modi and the Ayush Mantralaya also using it. And we also had like first Bhaktamba clinic open yesterday. So it's like, it's importance, and it's like, I cannot even describe how important it is. It's even like we are Jain. And if we don't know the meaning and importance of this shloka, then I mean, the kids right now who are born right in this generation, they need to know the importance and how to pronounce it at least. So that's all I have to say. Thank you, Reena ji. And now, Prathana, Amrish ji. Second is Prathana, who works on health. So just do a presentation and then you speak on both the research work. So Prathana, can you brief about this hospital and how you are taking? Prathana is on wheelchair, and by chanting the number, she is working, and there are 7 healers under her, and 925 patients have registered, and 6-7 doctors team are working, and they have got feedback from everybody. So Prathana, over to you. Yeah, Jai Jinendra Manju Didi and everyone. Jai Jinendra Amrish ji. Thank you so much for a wonderful session. It was very inspiring and informative. Basically, sir, I am working with IVS Center, International Vitrak Sangam Healing Center, which will be soon merging with Manju Didi's Bhaktamba Online Helpline. But abhi right now, sir, 984 patients register ho gaye hain, jinka healing hum log kar rahe hain. Mere under mein abhi 17 healers hain. Not 7, Manju Didi, now they become 17. और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को इतनी मानसिक शांति मिल रही है उसके साथ में. एंड बहुत ज़्यादा क्योर तो नहीं हो पाते हैं जो, क्योंकि हम इतना डिस्टेंस से हीलिंग कर रहे हैं, बट हमारी वाइब्रेशंस इतनी अच्छी जा रही है कि लोगों को शांति मिल रही है. एंड दे हैव नाउ चैंटिंग
मंत्रा श्लोकास प्रॉपरली, क्योंकि वो अनुष्ठान कर रहे हैं और पूरा सारा जितना भी आईवीएस के थ्रू रजिस्टर्ड पेशेंट है सबके रिकॉर्ड हम लोग मेंटेन कर रहे हैं डेली, कि पर डे उनको क्या ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, किस श्लोका से दिया जा रहा है और किस तरीके से सारे पेशेंट्स उनको फॉलो कर रहे हैं उनका, उसके बाद क्या चेंजेस आ रहा है. बेसिकली वी हैव टोल्ड देम टू मेक देयर ओन क्वेश्चनायर कि फर्स्ट डे उनको क्या लग रहा है, सेकंड डे उनको क्या लग रहा है, उनको कितना परसेंट रिलीफ हुआ है, क्या हुआ है, वो अपना खुद रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं. एक लेडी मेरे पास अभी परसों हीलिंग लिया, उन्होंने फर्स्ट टाइम उनका हाथ पूरा ऐसे स्वेल हो गया था कि जैसे मधुमक्खी ने काट दिया पूरा इतना ज्यादा. एंड देन जस्ट वन हीलिंग के बाद एक घंटे बाद उनका मैसेज आया कि उनका हाथ बिल्कुल नॉर्मल हो गया है, कोई पेन नहीं है, कुछ नहीं है. जस्ट 14 नंबर श्लोक से और 45 नंबर श्लोक से मैंने उनको हीलिंग दिया फॉर जस्ट वन मिनट स्क्रीन पे स्पॉटलाइट पे लाके, एंड उनको इतना इफेक्ट हो रहा है तो बहुत ज्यादा लोगों का विश्वास बढ़ गया है. एंड आई वुड लाइक टू गेट हेल्प फ्रॉम यू अमरीश जी कि अगर इसके लिए कोई और टूल्स हैं जिसको हम साइंटिफिकली और अच्छे से प्रूव कर सके कि हम लोग जो हीलिंग डिस्टेंस से भी कर रहे हैं, फिजिकली तो बहुत ज्यादा इफेक्ट है इसके, बिकॉज मंजू दीदी ने अर्चना जी ने इतना मेहनत किया है. ये हमारा सौभाग्य कि हमको घर बैठे पेशेंट्स मिल रहे हैं ऑनलाइन, ये हमारे लिए जूम एक बून हो गया एक तरीके से. बिकॉज आप देखिए कि मंजू दीदी है, अर्चना जी है, इन लोगों ने हॉस्पिटलों में जा जाके रोड पे लोगों को हीलिंग दे के, बिकॉज आज की डेट में अगर हम बोलेंगे ना कि आप हमारे से हीलिंग ले लो तो कोई बोलेगा पता नहीं क्या जादू टोना कर दिया, कोई नहीं लेगा. बट अगर ये जूम नहीं होता तो हमारे जैसे हीलर्स के लिए ना विल पावर होता. मैं खुद इस सिचुएशन से उभरी हूँ, मंजू दीदी नो बेटर, कि मैं व्हील चेयर पे थी, 1.5 साल बेड रिडन थी, मुझे कोई वॉशरूम में भी लेके जाए, बिठाए, खड़ा करे. अभी भी मेरा सर्जरी नहीं हुआ है बट आई कैन डू माई वर्क वेरी वेल. मैं आज खड़े रह सकती हूँ, खाना बना सकती हूँ, खाना खिला सकती हूँ, सब कर सकती हूँ, ईच एंड एवरीथिंग. और अभी मैं एक नॉर्मल चेयर पे बैठती हूँ, व्हील चेयर पे भी नहीं बैठती हूँ. तो मेरे लिए वो विल पावर बहुत ज्यादा काम किया. जस्ट वन मिनट का मंजू दीदी ने हीलिंग दिया एंड जस्ट उन्होंने मुझे बोला कि इसको PhD कराओ अर्चना. तो वो आज भी मेरे दिमाग में घूमता रहा. फिर मंजू दीदी ने आगे से मुझे आके 14th श्लोक दिया कि जिस पेन से आप निकले हो उस पेन से आप लोगों को हील करो. तो मेरे लिए वो बून हो गया. शायद मैं उस चीज में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गई हूँ कि मैं 2 बजे 11 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक हीलिंग करती हूँ कंटिन्यू नॉनस्टॉप. घर का काम निपटाती हूँ, बीच बीच में गैप लेके करती हूँ. तो मेरे लिए ऐसा है कि अगर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हो कि हम लोगों को प्रूफ करें कि ये वर्क कैसे हो रहा है, जैसे आप बोल रहे हैं कि एनर्जी डायनेमिक्स है, तो अगर आप इसके लिए भी हमको PhD में अगर हमको इसकी हेल्प मिले तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा सर. Certainly, I'll provide some inputs. Sure. Brother is cardiologist and इनको पूरी टीम हॉस्पिटल की is associated with our research. हाँ, मेरे भाई कार्डियोलॉजिस्ट है, मेरी भाभी जनरल फिजिशियन है एंड दे आर हेल्पिंग मी आउट विद ऑल मेडिकल टर्म्स पे. मुझे हेल्प कर रहे हैं, बुक्स दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि मैं PhD में सारा कुछ डाल सकूं कि कैसे एक एक बोन, एक एक नर्व का क्या इश्यूज है, क्या किस तरीके से एक नर्व कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक वो हमको इफेक्ट देती है, सिर से पैर तक, न्यूरो से लेकर के, ब्रेन से लेकर के, पूरा शरीर हमारा जो रीढ़ की हड्डी पे बेस्ड है. तो जितनी भी बीमारियाँ वो कहीं ना कहीं यहीं से शुरू होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड से. तो 80% डिजीजेस हमारी वहां से शुरू होती है, मानसिक जो तनाव होता है वहां से शुरू होती है. तो मैं उससे लेकर के सारी चीजों पे काम कर रही हूँ. एंड बिफोर मेकिंग सिनॉप्सिस आई एम वर्किंग विद पेशेंट्स प्रैक्टिकली कि मैं उन पेशेंट्स के साथ कैसे डील कर रही हूँ, उनको कितना परसेंट मैं रिलीफ करा रही हूँ. तो जितने अभी मेरे पास मोर देन 270 पेशेंट्स है राइट नाउ, आई एम हीलिंग 270 पेशेंट्स 100 पर डे. तो मैं उनका प्रैक्टिकली एक एक पेशेंट का नोट डाउन कर रही हूँ. एंड मैं वही चाह रही हूँ कि अगर आपका कोई गाइडेंस ऐसा मिले हमको PhD में, जितने भी हैं मेरे दूसरे कलीग्स हैं जो PhD कर रहे हैं, एंड उनको किसी ना किसी तरीके से हर श्लोक के वाइज कुछ ऐसी इंस्ट्रूमेंट्स मिले या ऐसी कोई गाइडेंस आपके थ्रू मिले कि कोई न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड है, जैसे स्विच वर्ड्स, आई कैन यूज स्विच वर्ड्स, एनर्जी सर्कल्स, ये सब आता है बट आई एम नॉट यूजिंग देम राइट नाउ बिकॉज मैं सिर्फ भक्तांबर को यूज करना चाहती हूँ. बट वास्तु इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ, क्योंकि हम जिस घर में रहते हैं, जिस जगह में हम रहते हैं, जहाँ काम करते हैं, वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है. बिल्कुल ठीक बात. तो आपका गाइडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है सर PhD वालों को. I will be always available. Sure. तो एक स्पेशल सेशन मैं चाहूंगी कि PhD वालों के साथ हो, ताकि उनकी बहुत सारी क्वेरीज हैं. तो आप एक स्पेशल हम लोगों को दीजिए, थोड़ा सा समय आपका निकाल के.
डेफिनेटली वी विल ऑर्गेनाइज दैट. मंजू दीदी तो दे ही रहे जितना हमको देना चाहिए, थोड़ा सा आप लोगों का चाहिए गाइडेंस. मंजू दीदी, वी नीड 100 मंजू दीदीस और मोर. जी जी, दिस लेडी डॉक्टर प्रियंका हैज कांटेक्टेड अस फ्रॉम दिल्ली एंड दे आर इनटू रिसर्च वर्क एंड दे आर ट्राइंग थ्रू मिनिस्ट्री फॉर फंडिंग ऑफ रिसर्च वर्क ऑफ भक्तांबर बिकॉज राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट has got funding for Gayatri Mantra and they are working on Mahamrityunjay Mantra, even Deepak Chopra. So like we have associated them with the medical college over here, Dr. Deepti Jain, who is Dean Pediatrics, and she is also coming up with a very big hospital. They are like Jains only and they have this two-wheeler biggest Hero Honda this thing. So they are working with us. They have around 7 doctors and she has already started research work in cancer ward of kids, 25 kids. We started small kids who have cancer and then one in neonatal care where immature, premature babies. So they have put the gazette in my voice, in Archana's voice, and continuously they are going to review in 21 days. Then another 21 days and another and 3 months data they are going to give us. They have already started. So you give feedback on Reena Shah's this thing because that is your subject. Yes. Archana's subject is like I can guide her more and you give. Sure. Sure. Question answer also. Right. With this, yes, sir. Any specific questions? Then otherwise we can, I can, I have another session at 2:00. Sir, kuch hand raise hai, aap permission de to. Haan ji, bol lijiye, bola, let's go. अमरीश जी, ये मेरे यंत्र आपको दिखाई दे रहे हैं? इफ यू कैन मेक अ स्पॉटलाइट काइंड ऑफ थिंग बिकॉज़ मेरे को आई कैन नॉट सी हर. वन मिनट. हाँ हाँ, आई कैन. वंडरफुल ज्योमेट्री. रीना जी, क्लोजर व्यू दे दीजिए प्लीज. द क्लोजअप प्लीज, द क्लोजअप. No, I think that's better. Yes, go a little closer, little more. You're doing very well. Thoda aur nazdik la dijiye. Great. That's it. It's getting visible. Bahut acha. Abhi maine aaj wo 3D mein bhi banaya. Wo aaj aapko main dikhai deti hu. Maine wo computer mein hai. आज मैंने वो ऐप से 3D में बनाया, आपको दिखाई देती हूँ अभी. ये अभी मैं 48 वो कंप्यूटर में अभी 2D में बनाया. राइट. एक्चुअल लाइट बंद कर रहे, दिखाती नहीं. कोई बात नहीं. We'll in the meanwhile we can keep taking. So there are some questions अगर है तो. ये वाला. Very good. This is a 3D indeed. Yes, we can see that. Very nice. ये 48 वाला है अभी ये तो. तो ये बीच में वो 8
अभी एक ही बनाया है, लेकिन बीच में एट पंखुड़ी वाला है कमल का, और फिर उसके आजू बाजू 16 पंखुड़ी वाला है, और यहाँ पर बाहर की वॉल में वो श्लोकास, और यहाँ पर रुद्धि और मंत्र। तो अभी मैं देखती हूँ कि यहाँ उस पर संस्कृत से अगर और या इंग्लिश में लिख सकूँ तो। बहुत अच्छा है, यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। सर आप क्लासेस लेते हैं क्या? ये क्वेश्चन आ रहा है। आपने जो आज बताया उसके लिए कोई क्लासेस ले रहे हैं या कहीं पे सिखा रहे हैं? या मैंने हजारों लोगों को सिखाया है अभी तक, बाय नाउ। अभी जूम पर आपका कोई चल रहा है क्या क्लासेस वगैरह? नो नो नॉट नॉट नाउ, अभी तो खाली ये सब अवेयरनेस लेक्चर्स रोज होते हैं, तीन चार। अच्छा, तो कब स्टार्ट कर रहे हैं सर? व्हाट्सएप पे डाल दीजिए ना आपकी अगर आपको इच्छा है तो, आई विल पुट यू ऑन एक्टिव लिस्ट, तो फिर अपन जब भी होगा तब आई विल सेंड यू द इंफॉर्मेशन, तब टाइम होगा तो ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके सर। या गौरव जी और कोई क्वेश्चंस हो? हाँ प्रीति जी हैं, उससे पहले मैं जानना चाहूंगा सर कि पीएचडी के लिए आपने कोई वास्तु डायरेक्शन नहीं बताया, हम लोग सब पीएचडी के स्टूडेंट हैं। आसानी से हो जाए कुछ? Yes, I was asking that only, sir, ki how to balance our life with PhD because it's a very struggleful job, na? तो कुछ ऐसा हो कि हम healing के साथ साथ जो हम prove करना चाह रहे हैं, तो वो चीजें clear होती जाए कि हम PhD में इसको इस तरीके से कर सकते हैं, because इतने सारे aspects हैं, हम हर चीज को नहीं कर सकते हैं, and each and everything require money. True. So I strongly believe कि मैंने जो शुरुआत की थी, टेक केयर ऑफ वेस्ट ऑफ योर हाउस और अ वर्क प्लेस, और सिटिंग इन द वेस्ट इफ यू कैन आइदर फेस नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, यदि आप ये कर सकते हैं, आई टेल यू, यू विल बी एम्पावर्ड बाय द डायरेक्शन एंड द जोन ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम योर नॉलेज बैंक, यू नो। जब आपका नॉलेज का संगम हो जावे, जगह का संगम हो जावे, विल पावर का संगम हो जावे, तो कुल मिला के एक यू नो द टोटल पिक्चर जो बन के आएगा वो बहुत ब्यूटीफुल बन के आएगा। तो आई स्ट्रॉन्गली वॉन्ट कि आप इस जोन को यूज करें और ट्राई एंड फेस वन ऑफ दिस थ्री डायरेक्शंस, इट ऑलवेज वर्क्स। हाँ जी, नेक्स्ट। जय जिनेन्द्र अमरीश जी। जय जिनेन्द्र जी, मैं प्रीति बैंगलोर से बात कर रही हूँ। मैं खुद भी एक भक्तांबर हीलर हूँ और वेरी गुड मोरालिटी सीख रही हूँ, समझ रही हूँ, और आपकी बहुत बड़ी फैन भी हूँ और फॉलोअर भी हूँ। बहुत टाइम आपके ये अवेयरनेस वर्कशॉप्स ट्राई किए थे ज्वाइन करने के, पर समवेयर द ज़ूम लिमिट क्रॉस हो चुकी थी। हाँ, वो 500 से ऊपर बंद नहीं जा पाता, बराबर है। दिस इज द फर्स्ट सेशन आई एम लिसनिंग टू यू एंड ग्रेट एंड डिफरेंट वास्तु नॉलेज यू प्रोवाइडेड दिस टाइम, बिकॉज यूजुअली मिलता है। Yes, वो तो उत्तर अच्छा है, पूरब अच्छा है, दक्षिण खराब, ऐसे ही चलता है बाजार में। वेरी ट्रू। और आपने जब अभी जियोपैट्रिक्स का भी बोला, तो वो मुझे अभी इतना क्लिक हो रहा है अपने वास्तु में। Yes, like, बहुत बहुत डिटेल चीजें आपने अभी बताई। और अभी जैसे मेरे एक चीज पर्टिकुलरली पूछना चाहूंगी, क्या मैं पूछ सकती हूँ? प्लीज प्लीज गो अहेड। या तो मेरे वेस्ट में फर्नीचर पूरा ब्राउन है, और टॉयलेट्स भी मेजर रूम्स के वेस्ट साइड ही आते हैं, और डिस्पोजेबल भी साउथ वेस्ट एरिया है मास्टर बेडरूम। तो व्हाट शुड आई बी डूइंग, आई मीन क्या रेमेडी मैं कर पाती हूँ, कर सकती हूँ? बिकॉज दिस इज माय, एक्चुअली क्या है कि फॉर दिस काइंड ऑफ मल्टीपल थिंग, हैड इट बीन ओनली वन, यू नो आई वुड हैव सेड कि आप यहाँ पर वो एक येलो कलर की पट्टी लगा लो या वो कर लो, बट व्हाट आई एम सीइंग इज अ बिग पैटर्न, नॉट वन, मल्टीपल। तो कभी भी एक मौका लगे ना, तो एक बार इसको ऑन साइट ऑफ साइट एक ऑडिट करा लेना, तो क्या है कि कॉम्प्रिहेंसिव, उसकी इम्पैक्ट क्या आती है वो जानना जरूरी है। सी अभी तो क्या है कि वी जस्ट सी विजुअली, आई हैव सम इंस्ट्रूमेंट विद विच आई कैन एक्चुअली शो यू ऑन स्क्रीन कि यदि ये यहाँ मल्टीपल टॉयलेट्स हैं तो इसकी इम्पैक्ट क्या आती है और क्या होना चाहिए, एनर्जी फ्लो कितना डेविएशन है, फिर देन यू कैन डिसाइड कि इसमें 20 ग्राम 20 एमजी की दवाई देनी है ना 50 एमजी की देनी है, यू नो व्हाट आई मीन? ट्रू। उपाय तो कॉमन है, बट टू बी वेरी कस्टमाइज्ड एंड स्पेसिफिक
I have very unique way of actually unfortunately ये खुला नहीं वरना I would have shown you that instrument also और वो हम लोग unique हम लोग remote sensing से भी चला के दिखाते हैं किसी का भी घर audit करके दिखाता हूँ मैं okay nice तो but at least in the meanwhile एक काम तो कर ही दीजिए उसमें एक yellow color का bulb तो लगा ही दीजिए toilet में जितने भी waste के toilet हैं put a 24/7 yellow color का bulb although it is not comprehensive ये complete solution नहीं है but get started with something you know and the anger and the relationship issues which you told it's like building now I don't know why maybe as with your guidance I can relate now yeah yeah ये पूरा grey आपका आपका room grey color का बना हुआ है क्या नहीं brown furniture is brown no the ceiling and all no cream cream ना अच्छा इसमें पता नहीं इसमें ऐसा दिखता है grey जैसा दिखता है okay No, that is a mirror behind me. Okay. No. But I was just looking at the top ceiling. It's cream, sir. Okay. No. I think what you should do is that you should explore. You know, if you can actually get these things done. So, क्या होगा कि you will have a precise information, very precise. Okay. And it works always. It always works. Yes, it will. And get in touch with me if you need more na send me whatsapp mera number hai isme screen pe send me the whatsapp theek hai jinko bhi aisa koi audit ke bare mein puchna ho jyada you can always send me whatsapp my office will send information okay sir thank you righto ha ji gaurav ji aur kuch hai any more questions is gaurav ji there Okay, I am prepared to answer if there are any questions. Anybody who would like to raise hand, I'll answer because I. Hello. Yes. Namaste, sir. आपका शैक्षणिक बहुत अच्छा लगा. But मुझे एक चीज पूछनी थी, sir. जैसे आपने बोला था कि घर का देखना है. अब जैसे हमारा घर लंबा है और तो हम किसी particular room में west side में बैठ के कर सकते हैं जो भी चीज आपने बताई. नहीं पूरे घर का वेस्ट हो सके तो बढ़िया है देखिए ओके पूरे घर का वेस्ट नो मैटर हाउ बिग द हाउस इज चाहे कितना ही बड़ा हाउस हो तो लेकिन हाँ. उसका घर का पूरे घर का यदि आप वेस्ट कर सकते हो तो बेस्ट है तो okay. उसके लिए हमको सेंटर ऑफ द हाउस जाके वेस्ट देखना या वो वेस्ट डायरेक्शन वेस्ट ही आएगी ना नहीं ऐसा नहीं होता तो आप नॉर्थ वेस्ट में जाओगे तो भी वेस्ट आएगी साउथ वेस्ट में जाओगे तो भी वेस्ट आएगी इफ यू फेस वेस्ट ओके Yeah, you have to find identify the zone set standing in the center of the house. Okay. और एक तो आपको west समझ में आ जाएगा. Okay, west में बैठ के study के लिए करना और एक relationship के लिए आपने बताया था. तो अगर जैसे वो चीजें हमारी north में entrance पे आती है, तो फिर कैसे बैठ के करें उस चीज को? No, I did not understand. North में आती है तो क्या मतलब क्या हुआ? नहीं जैसे कोई भी पर्टिकुलर एंगल आपने बताया वहां बैठ के करें जैसे साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट तो वो पर्टिकुलर आपका बाहर की तरफ या जिस प्लेस पे अपन नहीं बैठ सके तो फिर उसको किस तरह से करें नहीं वो कोई बात नहीं है यू डोंट हैव टू सिट ऑलवेज आई एम जस्ट ये तो मेरा एक एडिशनल दैट वाज अनदर पॉइंट कि अगर आपको कभी कभी यू नो इफ यू वॉन्ट टू जनरेट एडिशनल फोकस तो पांच दिन वहां बैठ के करो ना अच्छा. अगर आपको विश फुलफिलमेंट करनी है तो 28वां श्लोक वेस्ट में बैठ के करो ना देखो ना उसका प्रभाव क्या आता है ईस्ट में फेस करें दैट्स करेक्ट यू आर राइट और एक चीज और पूछनी थी सर अगर आपके पास टाइम हो तो बोलिए बोलिए जैसे लोग बोलते हैं कि साउथ फेसिंग घर नहीं होना चाहिए तो हमें बहुत कंफ्यूजन है कि जब हम घर के अंदर एंटर हो तो सामने साउथ होना चाहिए या घर से बाहर निकले तो साउथ होना चाहिए दो आपका सवाल दो है एक्चुअली एक नहीं है लेट मी टेल यू देयर आर टू क्वेश्चंस इन योर क्वेश्चन नंबर वन दिशा कैसे देखी जाती है दिशा देखने का तरीका है स्टैंडिंग इन लुकिंग आउट जब आप घर के अंदर खड़े रहें और बाहर की ओर देखें तो जो दिशा है उसको अपन दिशा मानेंगे स्टैंडिंग इन लुकिंग आउट जब अंदर आते हैं तब क्या फेसिंग है इज नॉट द दिशा अंदर में खड़े रहते हुए बाहर की ओर जब आप देखोगे तो जो दिशा आएगी उसको उसका फेसिंग माना जाएगा नंबर वन नंबर टू क्या वाकई साउथ फेसिंग खराब होता है दैट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क कोई इतने शास्त्र मैंने पढ़े हैं कहीं निषेध नहीं है कि साउथ फेसिंग ठीक नहीं होता इनफैक्ट आई हैव डन लॉट ऑफ फैक्ट्रीज जिसका मैंने साउथ खोल दिया था और दूसरी दिशा बंद कर दी थी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि कौन से जोन में उसका एंट्रेंस आप देते हो दैट इज द की ओके
कभी बात करेंगे 64 अलग अलग जोन में एंट्रेंस की क्या मीनिंग होते हैं, बट इट इज दैट इज इम्पोर्टेंट राइट। ठीक है जी, और कोई सवाल किसी का? लास्ट टू क्वेश्चंस। सर जय जिनेन्द्र, शीतल बोल रही हूँ। सर शॉर्ट में, नॉर्थ में आपने बोला किचन नहीं होना चाहिए और उसका उपाय हम आपको बता देंगे जी। नॉर्थ में किचन अक्सर होते हैं, तो एक शॉर्ट में कोई सिंपल सा इलाज कि नॉर्थ के किचन को कैसे हम उसका वास्तु ठीक कर। सर होते हैं ना, आपका है वो बताओ मेरे को। तो सर, मेरा है अक्सर होते हैं नहीं, क्योंकि अक्सर होने का बहुत अलग अलग मीनिंग होता है। नॉर्थ में यदि किचन है और जो मैंने कहा वो सिम्टम्स मिलते हैं, तो स्टोव के नीचे आप एक ग्रीन कलर का पत्थर लगा दीजिएगा, ठीक है? पुट अ ग्रीन कलर स्टोन अंडर द स्टोव। ओके, राइट, एंड मेक श्योर कि वहां पर और लाल यूज ना हो गए। आपके डब्बा डुब्बे जितने भी हैं उसके ढक्कन वक्कन लाल वाले कलर के मत लगाइएगा, क्योंकि किचन है तो स्टोर भी होगा, किचन स्टोर भी होगा और काफी सामान पड़ा होगा। यू शुड ट्राई एंड अवॉइड द रेड कलर काइंड ऑफ अ स्टफ, ठीक है? ट्राई एंड पुट अ ग्रीन, try and put a baroda green kind of a stone which will be very good, okay? Okay sir, agar jaise stone already apne black granite ya kuch laga rakha hai, to can we just little bit paint green color beneath the stone, matlab stone ke niche green color ka paint kar de, ya aur koi ek stone naya leke aa jaiye na, uske upar rakh diji jula। Okay, yeah I got simple, your point, simple hai। Thank you sir, thank you so right, much okay one last more. question One girl from Mumbai, Udita Shah, she is pursuing PhD on tarot card reading and Bhaktambar card. Are but wow. To share her views and her research work. Udita Shah, over to you. Jai Jinendar, Manjuji and everybody and Amrishji, I am a biggest fan of yours. I have been watching your sessions. I think I've watched every session. I've made notes. So every session I get to know new things. And myself, I'm also an energy healer, tarot card reader, or an angel card reader, numerology. But the kind of knowledge you have is a vast. And every time, whenever I, listen to you, I get new knowledge and new perspective towards my experience and with my clients also. But one thing I just wanted to know, when I'm also learning Bhaktambar right now, and I'm also doing a PhD in Bhaktambar and combining my tarot card reading with Bhaktambar cards, I've done a bit of research. So I wanted to ask something. Am I audible? Yeah, you are. Go ahead. I wanted to ask some, just a minute. और गौरव जी भी पीएचडी कर रहे हैं। Somebody is asking अमरीश जी के प्लांट्स पर रखे कहाँ, अगर प्लांट्स उधर नहीं रख सकते हैं नॉर्थ। प्लांट्स है ना, बेस्ट पार्ट प्लेस टू कीप प्लांट्स आर बिटवीन साउथ ईस्ट से लेके साउथ के बीच में रखिए ना, मजा आ जाएगा। अच्छा, वही 3% मेरे लिए अलग रख दीजिएगा, वेयर टू स्पेंड आई विल टेल यू। बक्तामर भी कर रहा है और मेरे को पर्सनल चाहिए नहीं। Thank you so much, Amrish. Yeah. I think we have lost her. Sir, like you said, ki 28 number shloka should be chanted in West. So, aise aur bhi kisi shlok ke liye hai particularly direction? No, I'm telling you, pehli baat, there is no such thing as ki ye yahan karna chahiye. I'm telling it for additional impact. Jab aapko koi additional chahiye, jaise wo Rajdhani ka train mein do engine lagte the purane zamane mein. If you want to add more power, so apart from doing what you are doing, you can also take the help of West Zone or wahan baith ke 10 minute recite kar liya, because aap aankh band karke 9 bar to 10-15 minute mein bol hi le sakte ho ki okay, so that's an additional power generating. Varna aisa ho jayega ki har shlok bolne ke liye alag alag jagah baithna padega, which is not practical, honestly speaking. Theek hai na? But it works. Wish fulfillment, yes, sir, works. Yes, Udita. Yes, sir, Udita here. Yeah, Udita. Sir, yes. And also, sir, when I actually consult my clients or whoever comes to me as far as tarot or a numeral, so how do we connect them? Like,
like supposedly, because right now my focus is totally on Bhaktambar, because I'm doing a research. So whoever calls me, I suggest them for Bhaktambar Shrot to chant. But I'm also into various energy, like what obviously in different fields. So how do we connect? Do we say that you need because when Bhaktambar is the whole and soul and everything is under Bhaktambar, we can do anything on that part. So how do we actually convince people that, you know, apart from this, if you do a vastu change or numerology or a tarot reading, so that you will get a benefits. How do we connect that line? I mean, how do we say to our clients or maybe to someone whom people approach us? Dekhiye, for any difficult situation. Simple baat hai actually. These are different domains. Okay. When you talk about any healing modalities by way of mantras and all is completely different than the other modalities. So I generally would like to maintain, sort of, so to say, compartmentalization of the things. And when you, one has to give, it's like basket of things one has to offer. एक आपने मतलब खाने में रोटी भी है, दाल भी है, मीठा भी है, सब्जी भी है. So you have to say that, look, everything has its own own role to play in life. So A, you start with this. B, you can do this. C, you can do this. D, you can do this. When you make a complete thali, then it is his choice to what to choose and pick. You should be able to offer everything holistically, from the bottom up, with the love from the bottom of your heart. And then it works. It always works. Because appealing tabhi hoti hai when you know ki haan, jo, matlab, jo baat batai ja rahi hai, because har ek ke dimensions kafi hote hai. It's all multi-dimensional thing. We see it from one angle at this point in time. But everything has a multidimensional approach, requirement, and solutions too, in turn. Yeah, I hope we approach and then the approach and then the things will depend upon the people whom do they wanted to take, whatever. Exactly. However, exactly. Their response. Well, that is their call then. But they must be able to see it. Thank you so much, sir. Sir, you're very valuable solution, information. 360 degree solution has multiple angles, अमरीश जी आपको जब भी बॉम्बे में आए थे, वासी में तभी मिलने का मौका मिला था जी. अभी मंजू जी के साथ में और आपके साथ में लेके इसको वर्ल्ड वाइड अपने तो लेके जाना है. तो एक बार मैं समझ रहा हूँ आपसे, मंजू जी से सबसे साथ में एक बार जरा बात करें. प्राइमरी में 25 कंट्रीज से मैं कनेक्टेड हूँ एजुकेशन के लिए. बहुत अच्छी बात. तो आपसे आपका भी इसमें सपोर्ट चाहिए. डेफिनेटली आप तो इसमें काफी आगे है. मैं सोचा मेरी ओर से जितना बनी भी इतना मैं कंट्रीब्यूशन करूं मैं. डेफिनेटली इट्स अ गुड थॉट. आपके मुझे व्हाट्सएप मिलते हैं मेरे दूसरे नंबर के ऊपर, मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा. वो एक बार जब भी फुर्सत रहेगी तभी बात करेंगे. डेफिनेटली. राइट ऑफ विद दिस वी क्लोज दिस सेशन. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंटली फॉर 3 hours एंड गॉड ब्लेस. कुछ रह गया हो तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा. दिस इज द नंबर विच इज देयर ऑन द थिंग. I generally do not reply for individual questions. Lekin agar kisi ko koi detailed information chahiye, toh we will send you information about it. Thank you very much. Namaste. Thank you, sir. One more PhD student, Pallavi Chauradia. She wants to ask some questions. Haji, haji. Haji, Pallavi ji. Always with us. Always. And someone was saying, Amrish ji and yours will gel perfectly. Yes. Hello. Palvi ji, bolo. Jai Jinendra ji. Haan, Amrish ji, aapka session bahut hi acha tha. Thank you very much. Manju ji, also for arranging this session. Main ye puchna chahti thi ki jo aapne tijori ke baare mein bataya, so can you again please specify the details? Thoda confusion hai wahan pe. इट शुड बी इन द जोन जो साउथ वेस्ट के बाद और वेस्ट के पहले वाला जो जोन हो वहां होना चाहिए. इट शुड हैव अ सॉलिड वॉल बिहाइंड इट. और इसका मुंह जो खुलना चाहिए आइदर टूवर्ड्स नॉर्थ और टूवर्ड्स ईस्ट. और जहां पर वो वेल्थ वास जो मैंने बताया था वो रखें, उसके चारों ओर यदि आप मिरर लगा सके तो वेल्थ विल अपीयर टू मल्टीप्लाई और इट जनरली मल्टीप्लाई. मतलब वो पीछे टच होना चाहिए वेस्ट को और खुलते समय इट शुड ओपन अप टुवर्ड्स ईस्ट और द नॉर्थ. दैट्स करेक्ट. यू आर राइट. ओके. थैंक यू सो मच सर. एंड अमरीश जी नीलम शाह फ्रॉम शिकागो शी वांट्स टू थैंक यू. यस. या
from yes. Yeah, hi. We've been in touch. So yeah, I just wanted to say that you always have some wealth of knowledge. My mom and I always enjoy your sessions, and I know you have another session, so I don't want to keep 2 o'clock, you. Another 6 minutes. Yeah. Yeah. So yeah, if we can talk some more and I can do a consultation, that would be great. Righto. Okay. Namaste, Manjuji. Thank you. I had some questions, so that would be okay. Good. But right, I always appreciate your knowledge and okay. And all your namaste. In touch. Thank you. Namaste. Namaste. Okay. Namaste. Bye. Bye. Manjuji, I'll take your leave now. No, thank you, Amrishji. And we have Bhaktambar Vidhan at Siddhayatan. 2600 Bijaksharka. I would like Rita Ben to join that. Sure. Thank you. Okay. Namaste ji. Bye-bye. Thank you. You also namaste. Come. Yeah, yeah. 28 to 27. So whenever you find time, sure. Do. Sure. Okay. Namaste ji. Bye. Bye. Yeah. All of you. Thank you. Bye-bye all. All of you. Thank you. So with this, we will have another session. Sunday, we are going to have session of Dr. Surinder Das. He is president of Integrated Healing Forum. And he is president of Global Wellness Forum. So he will be briefing you on integrated healing. And next Sunday would be Sonal, who will speak on past life as well as future life. She has done some research work. So we are thinking of getting Dr. Surinder Das, who's going to conduct Wellness Summit on October 24, 25, 26. I have sent that link. And Prathana, you be updated with your documentation, because we have to send it to Dr. Priyadarshana Delhi and Ministry. So all the documents, 900. You have my email, no, Prathana? नहीं दीदी, आपका एक्चुअली मैंने व्हाट्सएप भी ट्राई किया, वो लगता नहीं है कॉल आपको, उठाते नहीं हो मुश्किल. ईमेल लिखिए पहले, संदीप मंजू, SUNDEEP MANJU जी @gmail.com. तो उसमें आप वो ऑल द पेशेंट्स हु हैव रजिस्टर्ड, पैनल ऑफ डॉक्टर्स वर्किंग, मोडालिटी ऑफ वर्किंग, 17 हीलर्स, देयर नेम, नंबर. Just send me a nice document with your brother's profile and everything, so I can forward it to doctor. Rajlakshmi ji wants to say something. Rajlakshmi, you want to say something? Manju didi, basically I have to send IVS ka detail na bana ke proper. Everything. Yeah, how we are working through it, so that would be a research field and we can apply this. Some funds can be arranged for IVS working also from government. Okay. So just send me that. And BLCT sir chale gaye shayad. Okay. Jitendra Gada ji is with us and unke paas bhi kafi audios hain and everything, recording bahut achha karte hain. Unse bhi we can form, you know. Bas. शीतल जी थैंक्स कर रहे हैं, बहुत लोग थैंक्स कर रहे हैं, एंड वंडरफुल सेशन. एंड जिनको भी कोई क्वेश्चन है वो अमरीश जी को पर्सनल कर सकते हैं, एंड आई एम श्योर ही विल गाइड फॉर PhD स्टूडेंट्स ऑल्सो. राजलक्ष्मी जी, ही विल गाइड यू वेरी वेल, यू कैन टॉक टू हिम एंड मैनी मोर. एंड शीतल दादा जी, आप भी करिएगा PhD. अभी नेक्स्ट लेंगे, क्योंकि आज थोड़ा वो भक्तांबर विधान में जाना है इसलिए. तो बाय बाय. हाय दीदी, बाय. थैंक यू वेरी मच. दीजिएगा गौरव सबको. थैंक यू वेरी मच दीदी, इट वाज अ वंडरफुल सेशन. ठीक है, तो सभी मिलेंगे एंड वी विल ट्राई टू. Everybody can write to me. That would be best. Email pe whatever work they are doing, and jitne jaldi documentation karenge, jaise Reena Shah ji ne kiya hai, Prathana ne kiya hai. They are best examples,
and you can get us with Reena Shah. Dekho nahi dal dena pani. Daga. Manju ji. Will guide. अभिमंत्रित जल जो है 15 दिन अगर रखते हैं वो खराब नहीं हो जाएगा? क्या चीज? अभिमंत्रित जल जो है उसको लगा दो 15 दिन अगर हम लोग वो रखते हैं पानी को तो वो इन्फेक्शन नहीं हो जाएगा उसमें? नहीं, वो तुरंत रोज का रोज बनाए ना वो अच्छा रहेगा। वो 15 दिन है वो सूर्य और चंद्र का, वो जो अनीता बताती है ना वो बच्चों के हीलिंग के लिए और वो पावरफुल पीने के लिए अच्छा है वो वैसा करने के लिए। तो दीदी चार्ज वाटर कभी खराब थोड़ी होता है। दीदी मंदिर का भी बताना था ना उन्होंने, अमरीश जी ने मंदिर बताया ना उन्होंने, वो तो उसका तो है ना ये सबसे ईशान कोण, नॉर्थ नॉर्थ ईशान कोण होता है, नॉर्थ ईस्ट। बट उन्होंने ये बोला कि नॉर्थ ईस्ट में आप मंदिर रखिए बट उस पे लाल कपड़ा, यानी लाल जो है फायर एलिमेंट है, तो फायर एलिमेंट की चीजें मत यूज करिए बिकॉज फायर एलिमेंट जो है नैऋत्य कोण में आता है। अखंड दीपक भी नहीं कर सकते हैं दीदी। ओके okay, तो वो दीपक भी जलाने के लिए मना किया ना उन्होंने, तो वो कहाँ पे अखंड दीपक मना किया है? अखंड दीपक okay. मना किया है। हाँ जी ओके okay. चलिएगा तो अब बाय बाय करते हैं और फिर मिलेंगे। अभी चलते हैं वहाँ शांति धारा अभिषेक हो रहा होगा और 2:30 बजे से विधान है। मंजू दीदी एक रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज जो पीएचडी कर रहे हैं परसुइंग है या जो ऑलरेडी पीएचडी कर चुके हैं उनका एक सेशन रखिए प्लीज, बाकी अदर क्राउड ना हो क्योंकि हम लोगों को बहुत सारी क्वेरीज होती हैं जो हमारी नहीं हो पाती 2-3 घंटे में भी। तो रख लेते हैं 11 to 1 जी, 11 to 1 सैटरडे ठीक है। तो उसमें सबका एक एक का वर्क भी रिव्यू करते जाएंगे, डॉक्यूमेंटेशन भी, वो बहुत अच्छा हो जाएगा। सैटरडे 11 to 1 गौरव, जिन जिन के रजिस्ट्रेशन हो गए, जिन्होंने कुछ कुछ वर्क किया है, अपने सारे फॉर्म्स भेजे हैं, सर्टिफिकेट्स भेजे हैं, तो जल्दी जल्दी उनका बेस्ट है कि वो जल्दी से रजिस्ट्रेशन अपने जुरास्ट्रियन कॉलेज का फॉर्म भर के अपनी फीस भर दें, अर्चना जी विनय जी के साथ फटाफट कर दें एंड कम से कम वो स्टार्टिंग पॉइंट। मंजू जी हाँ, ये पूछना था कि जो बैचलर्स है सिर्फ जो जिसने बीकॉम किया है सिर्फ उन लोगों के लिए क्या ज़ोरास्ट्रियन यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं ना हम लोग? एमफिल, एमफिल होगा पहले फिर उसके बाद पीएचडी होगा, एमफिल हो सकता है। ओके और दी ये जो जेजीटीयू से करना है अगर किसी को तो झुंझुनू है काम, मतलब ये डिफिकल्ट है जाना आना? हाँ झुंझुनू से भी कर सकते जिसको जैसे करना है भाई। कितनी बार मतलब जाना पड़ेगा अगर 3 साल लगेंगे उसमें तो कितनी बार जाना पड़ सकता है मतलब? वो आप बीएल सेठी सर से पूछिएगा, गौरव बताएंगे। अच्छा ठीक। ये ज़ोरास्ट्रियन कॉलेज में आपको एक बार 3 दिन को जाना रहता है जब वंस योर साइनोप्सिस इज रेडी, और ये और अभी हो सकता है क्योंकि ये कोविड और ये है तो हम जूम पे ही मैडम को ले आए तो आपका वर्क दिखा दें और ये कर सकें क्योंकि अभी जब तक लॉकडाउन नहीं खुलता है। तो पहले आपका पेपर तो बने, आप रजिस्ट्रेशन तो करो, फ्री फीस तो भरो, तब तो है। जो लोग ये फास्ट कर रहे हैं, नहीं आपने मुझे गाइड किया था कि आप जेजेटीयू से फॉर्म भर दो इसलिए मैं पूछ रही हूँ। तो आप भरो, तो मैंने गाइड किया था तो क्यों नहीं भरा आपने जेजेटीयू? नहीं वही पूछ रही हूँ, झुंझुनू अगर जाना पड़ेगा कितनी बार जाना पड़ेगा और कहाँ पे है ये? बीएल सेठी सर राजस्थान। लुक मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, पीएचडी आप जो कर रहे हैं तो आपको मेहनत आपको करनी है, तो आप एक बार जाए चाहे 10 बार जाए, आपको अगर पीएचडी करना है तो आपको अपना समय देना पड़ेगा, आपको उस चीजों से डील करना पड़ेगा, आप उसको बैकआउट नहीं कर सकते कि मैं एक ही बार में जाके करूँ। हो सकता है आपको 10 बार जाना पड़े, आपकी पीएचडी की वैल्यू अगर बहुत फ्रीक्वेंटली जाना पड़े जैसे मंथ में 2 बार जाना पड़े तो थोड़ा ऐसा सोचना पड़ेगा। काम तो चालू करो, जिसको नहीं करना ना काम वो 100 बहाने ढूंढता है नहीं करने के, इतने एक्सक्यूजेस पहले से लेडीज कहेंगी हमारा पीरियड आने वाला तो 21 दिन का साइकिल कैसे होगा, उनको नेगेटिव पहले दिख रहा है। जिनको करना है उनको ये पता है कि मेरा पीरियड पोस्टपोन हो जाएगा, उनको पता है कि भक्तांबर में इतनी शक्ति है। अच्छा ये एक नई बात बताई आपने आज, थैंक यू। हाँ विल पावर बनाइए, आपका काम होना अपने आप शुरू हो जाएगा। एज आई लाइक मैंने बोला भी है कि मैं पैर उठाती हूँ अपने आप मेरा स्टेप क्रिएट होते जा रहा है,
मैं तो डिसेबल्ड थी, मैं चलूंगी, मैंने ये भी नहीं सोचा था इतनी जल्दी विदाउट सर्जरी। अभी भी मैं सारे काम कर रही हूँ, सब कर रही हूँ। वो एक आपका विल पावर खुद क्रिएट होता जाता है जब आप जुड़ते हो ना चीजों से, वो खुद ना खुद कहीं ना कहीं रास्ता बनते जाता है, आपका क्लियर होते जाता है। रजिस्टर हो गए, उनको पूरे डेटा मिल रहा आराम से, गूगल फॉर्म से फीडबैक मिल रहा, अपने आप उनका रिसर्च वर्क हो रहा और हीलिंग दे रही, तो खुद का हीलिंग हो रहा और उनको बैकअप हो गया, उनके ब्रदर डॉक्टर और 6-7 डॉक्टर्स जुड़ गए। अब ये मिनिस्ट्री और CDAC जुड़ गई, तो डॉक्यूमेंटेशन वहां से वो पूरा प्रॉपर रिसर्च प्रियंका जी के साथ। तो मैं नंबर दे रही हूँ प्रार्थना, जस्ट टॉक टू हर, ब्रीफ हर एवरीथिंग, मैं अभी आपको व्हाट्सएप करती हूँ, ठीक है? गिव हर ऑल डिटेल और उनका मैं ईमेल भी शेयर करूंगी, ओके जी। चलिए जितेंद्र गंगा जी को लास्ट अनम्यूट करते हो, फिर मुझे जाना है, हाँ लेट हो रहा, देखो ये दीदी लास्ट में बोल रहा था कि खाली वाटर के लिए बताना था, जो ये बोले ना 15 डेज जो चार्ज करते हैं, वो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, 4 महीने तक खराब नहीं होते। आपका जो एक्सपीरियंस है, मतलब तुरंत सबके ऑडियोज बना के सबको भेज देते, हर सेशन में रिकॉर्डिंग करके, जैसे प्रज्ञा जी करती हैं, आप करते हो, हेल्प कर रहे मेरी वॉइस के, इन्होंने मुझे भेजे मेरी वॉइस के 6 श्लोका, 17 श्लोका, 45 श्लोका, उसको लूप में डाल के 108 टाइम्स, मेरा मेडिटेशन मुझे ही नहीं पता रहता, हर चीज ये रिकॉर्ड करके भेज देते जिनेंद्र गाडा जी। इट्स सच अ बिग थिंग, यू नो, वो छोटे से निर्वाण का मेडिटेशन ही सेंड मी रिकॉर्ड करके। सो थिंग्स व्हाट एवर यू कैन डू, यू नो, इट्स नॉट यू हैव टू डू PhD, यू कैन हेल्प पीपल विदाउट दैट ऑल्सो। मंजू दीदी, एक एक्सपीरियंस आपको भेजा हुआ है पर्सनल चैट पे, आफ्टर लाइफ का। ओके, मतलब इन लाइफ तो बतांबर का रहता ही है एक्सपीरियंस, आफ्टर लाइफ का एक एक्सपीरियंस मैंने आपको पर्सनल मैसेज में भेजा है, आपने शायद देखा नहीं होगा। आपको और रंजीता जी को तो वो स्कॉलरशिप सैंक्शन होगी होगी झुंझुनू की, आप उसको परस्यू करो, आप दोनों का नाम मैंने BL सेठी सर को दिया है और सर बिल्कुल वो दे रहे हैं, और नीलम शाह हैज टू परस्यू इंद्र जैन सर, he has said, no, work karo, show your work documentation and then it will help you, theek hai, chale iske sath, okay, bye bye, jai jinendra, jai jinendra, jai jinendra, jai jinendra, thank you, thank you so much, jai jinendra, jai jinendra didi, aap log kaam karne lage, are khaman do kya pratika, chalo बाय बाय, बाय बाय, जय जी ने। इसको PhD करना है, अपने राजलक्ष्मी जी भी बहुत प्लेटफॉर्म देंगे। ओके, चलो बाय बाय, बाय दीदी, बाय।